अच्छा, आज का टॉपिक है नवांश कुंडली। मैं सदैव आज कौन पूछ रहा था आज का टॉपिक क्या है, आप पूछ रहे थे ना, और आप सोच रहे थे हम प्रिपेयर कर रहे हैं टॉपिक का। हम किसी टॉपिक का प्रिपेयर नहीं करते, नेवर। आज तक लाइफ में हमने ज्योतिष में प्रिपेरेशन नहीं किया और करेंगे भी नहीं, मुझसे ये उम्मीद मत रखो। आप मुझे जो टॉपिक पढ़ाने के लिए बोलोगे मैं वही पढ़ाऊंगा, और जितना जानता हूं वही बोलूंगा। Either I know or I do not know. I will not lie to you. I will be very honest with you. I expect you also to be as honest with me. ठीक है, नहीं आता है तो सीधा बोल दो नहीं आता ना, क्या जाता है। ओके, नव अंश। नव ये शब्द नव जो है संस्कृत में ग्रहों के लिए रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है संस्कृत में। नव माने ग्रह। जैसे नंबर 12 जो है ना, द्वादश, उसका दूसरा नाम है सूर्य। सो द्वादश अंश को सूर्य अंश भी बोलते हैं, क्योंकि 12 नंबर जो है उसका दूसरा नाम है सूर्य। नव का दूसरा नाम है ग्रह, तो नवांश ग्रह अंश भी होता है। ठीक है, सर्वप्रथम नवांश जो होता है, नवांश कुंडली पराशर मुनि के अनुसार इट इज सपोज टू बी अ रेगुलर या चक्र अनुसार चलता है। ठीक है ना, आप मेष में पहला नवांश मेष राशि में ही होता है। होता है नहीं होता है? होता है। नौ अंशों में अगर हम मेष राशि को तोड़ेंगे तो पहले नौ राशि जो है उसी नौ अंशों में आ जाएंगे। सो मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला फिर वृश्चिक धनु, नौ आ गए। तो आखिरी अंश मेष का कौन सा रहा? धनु रहा। फिर मेष राशि खत्म हो जाता है नौ अंशों का, फिर वृषभ राशि स्टार्ट होता है। वृषभ का पहला अंश कहां पर आएगा? यहां पर हमने धनु पर पहुंचे थे, तो धनु के बाद क्या आएगा यहां पर? मकर। तो वृषभ राशि का पहला अंश मकर पे आ रहा है। ठीक है, नौ अंश गिन लो वहां से, मकर कुंभ मीन फिर मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या। मकर से लेकर कन्या तक जो है नौ अंश बने वृषभ राशि के अंश, बड़ी सिंपल है। फिर आए हम मिथुन राशि पर, मिथुन राशि का पहला अंश यहां हम कन्या पे खत्म किए थे, तुला में आएगा। तुला का जो नौ अंश होगा तुला से लेकर मिथुन तक, वो मिथुन राशि के नौ अंश हुए। हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब थोड़ा सा गौर से विचार करो, मेष राशि का पहला अंश, ये जिसको हम आद्य अंश बोलते हैं, उसी राशि पे आ रहा है, आ रहा है ना। अब वृषभ राशि का हमने जब नौ अंश बनाए, वो मकर से शुरू हुआ और कन्या में खत्म हुआ, उसका बीचवा या पांचवा अंश जो है वृषभ में आया, तो मध्यम में आया। ठीक है, अब मिथुन राशि को ले लो, मिथुन राशि का पहला अंश जो है तुला में आया और नौवे काट करके आखिरी अंश शेष अंश मिथुन में आया। इसका ये हम इससे क्या समझते हैं राशियों के बारे में, जिसको हम वर्ग उत्तम बोलते हैं। वर्ग उत्तम का क्या मतलब होता है? अगर मैं मेष राशि को प्रथम राशि या ब्रह्म राशि मानू, वृषभ को द्वितीय राशि या विष्णु राशि मानू, और मिथुन को तृतीय या शिव राशि मानू, ठीक है ना, तो ब्रह्मा आरंभ होता है, आरंभ राशि का पहला अंश वर्गोत्तम। वर्ग उत्तम क्यों? उत्तम वर्ग क्या होता है? जो भगवान का स्वरूप होता है, उस राशि और उस अंश में हमें ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं, क्योंकि वो आरंभ है, ब्रह्मा आरंभ के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो वर्ग उत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब जो उत्तम है, जो भगवान स्वरूप है, उसके गुण में कोई फर्क नहीं है। वृषभ राशि दूसरा या मध्यम है, और इसका मध्यम पंचम जो है अंश, वो वर्गोत्तम माना जाता है, वो विष्णु स्वरूप होता है।
क्योंकि मध्यम है, मध्यम में विष्णु होते हैं और अंत शेष अंत जो है वो शिव स्वरूप होता है, इसलिए मिथुन राशि का अंत अंश वर्गोत्तम होता है, शिव स्वरूप होता है। क्लियर हो गया कि वर्गोत्तम का अर्थ क्या होता है? वर्गोत्तम का अर्थ का ये मतलब हुआ कि ये जो वर्ग है, ये जो नवांश है, ये व्यक्ति के स्वरूप है, हर व्यक्ति के अंदर में है वो। उस वर्गों में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो उस भगवान के बल से उस ग्रह के सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। बात समझ में आई क्लियरली? चर राशि में अगर ग्रह वर्गोत्तम होगा तो ब्रह्मा जी के कृपा से उस ग्रह के सारे गुण उस व्यक्ति में दिखाई देंगे। अगर स्थिर राशि में वर्गोत्तम हुआ तो किसके आशीर्वाद से आएगा? विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आएगा। अगर द्विजभाव राशि में कोई ग्रह वर्गोत्तम होगा तो शिव जी के कृपा से वो सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर में दिखाई देंगे। तो किसी के कुंडली में चाहे वो ग्रह किसी भी भाव में क्यों ना हो, अगर वो ग्रह वर्गोत्तम है तो वो ग्रह का संपूर्ण बल, नमस्ते, कैसे हैं आप, उस व्यक्ति में जरूर दिखाई देगा। ठीक है? अच्छा, आप लोग सब अपना अपना कुंडली जानते हो तो आपके कुंडली में कौन कौन से ग्रह वर्गोत्तम है बताओ, कौन सा वर्गोत्तम है? शुक्र वर्गोत्तम है, शुक्र। अच्छा, महर्षि पराशर ने हम इन ग्रहों का क्या क्या बताया था ग्रहों के बारे में? सूर्य से क्या बल मिलता है? आत्मा बल मिलता है। कैसे आप देखोगे आत्मा बल है या नहीं? सारे ग्रह हेल्प देते हैं, उसको छोड़ दीजिए। गुण बड़े एबिलिटी, लेकिन बुध से वाच मिलता है, स्पीच, बुध स्पीच देता है, गुरु बुद्धि देता है, भी देता है, शुक्र सुंदरता देता है, राइट? सुंदर सूर्य क्या देता है? तेज देता है, हेल्थ। गुण गुण की बात करो, तेज देता है और दूसरा साहस, साहस सारे ग्रह देता है, डिपेंडिंग कहाँ पर है। मुझे मुझे ये बता दो गुण क्या देता है सूर्य? काल पुरुष का क्या अंग है सूर्य? मस्तक है। और बताओ, पेट है सूर्य, चंद्रमा से क्या गुण आता है, क्या एबिलिटी आप देखोगे? मन, मन आता है ना, आत्मा, तो क्या आएगा? कॉन्फिडेंट होगा, तो वर्गोत्तम सूर्य माने बहुत कॉन्फिडेंट होगा, लीडरशिप, नेतृत्व। किसी भी कुंडली में सूर्य वर्गोत्तम है तो वो व्यक्ति में जो नेतृत्व होगा बहुत कम लोगों में होगा, वो ही इज अ लीडर ऑफ लीडर्स। चंद्र वर्गोत्तम है तो उसका मन बहुत ही बलवान होगा, उस व्यक्ति के अंदर में वो गुण जरूर दिखाई देगा और उस देवता के कारण दिखाई देगा, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो चर राशि, स्थिर राशि या द्विजभाव राशि में वर्गोत्तम है, जरूर होगा। आपका कौन सा? शुक्र वर्गोत्तम है। सुंदरता, आप में क्या सुंदरता है? शुक्र क्या देता है? ओजस देता है, राइट? शुक्र ओजस देता है, ओजस माने उसको आप दबा नहीं सकते हो, वो जरूर निकल आएगा फिर से, फाइटिंग स्पिरिट, इट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ मैन, द फाइटिंग स्पिरिट। देखो ना, कुछ लोगों को सर दबा ही नहीं सकते, जितना दबाओगे फिर से निकल आएगा वो, ट्रेमेंडस विल पावर, ट्रेमेंडस विल पावर कम्स फ्रॉम शुक्र। जिन लोगों का शुक्र वर्गोत्तम है, द विल पावर इज ट्रेमेंडस। गुरु वर्गोत्तम,
intelligence is tremendous. Understanding, they will understand. The intelligence is superb, supreme intelligence, Vargottam Jupiter. Mercury Vargottam, learning and speech is tremendous. Understanding unka fantastic hoga. Learning se understanding aata hai. So Mercury se understanding fantastic hota hai. Jupiter se intelligence fantastic hota hai. Wisdom is very high. So like that, depending upon the planet which is Vargottam, उस ग्रह के गुण जरूर आप में आएंगे. राहु वर्गोत्तम है तो क्या होगा? राहु वर्गोत्तम राहु का गुण क्या होता है? अनकन्वेंशनल. तो मैं क्या बोलूं कि उस व्यक्ति का अनकन्वेंशनल बहुत स्ट्रांग होगा. बहुत स्ट्रांग होगा. दूरदृष्टि बहुत अच्छा होगा. आई फुली एग्री विथ यू. I fully agree with you, so I was not satisfied with the word unconventional. Yeah. So basically he has a futuristic intuition power. Ketu ka hota hai. Intuition ka matlab hai ki aap apne sar se nahi soch rahe. Rahu apne sar se zarur sochta hai. किसी का केतु वर्गोत्तम होगा तो गणित बहुत बलवान होगा. बिकॉज मैथमेटिक्स इज वेरी अल्टीमेटली एट इट्स हाईएस्ट लेवल इज वेरी इंट्यूटिव. तो राहु क्या है? एग्रेसिवनेस मंगल से आता है. मंगल से आता है. मंगल बल होता है काल पुरुष का. मंगल बल वर्गोत्तम होगा तो बहुत बलवान होगा. फिजिकल स्ट्रेंथ. लेकिन ये जैसे कोई भी जैसे वर्गोत्तम है किसी राशि में तो राशि वाले वो ग्रह के गुण उस व्यक्ति में जरूर दिखाई देंगे उस देवता के कृपा से. किसके कृपा से आ रहा है ये भी हमने क्लियर कर दिया. क्यों आ रहा है ये भी क्लियर कर दिया. तो आपको डाउट ये नहीं आना चाहिए. हमने ये भी क्लियर कर दिया है कि क्यों ये हो रहा है. राइट. मेष राशि का आद्य, वृषभ राशि का मध्यम, मिथुन राशि का अंत्य, ब्रह्म विष्णु महेश्वर. हमने समझा दिया ये बात क्लियरली. क्यों ये वर्गोत्तम क्यों होता है वो. वी आर क्लियर ऑन दैट. सो आई डोंट वॉन्ट क्वेश्चन ऑन दैट नाउ. We are going one step forward now. We are applying that. मेरे कुंडली में बुध वर्गोत्तम है. इसका मतलब क्या है? Learning, understanding and communication is very good. Right? एक टीचर के हॉरोस्कोप में ये बुध वर्गोत्तम या स्ट्रांग होना आवश्यक नहीं है. है ना? वरना वो समझा नहीं. वो स्वयं नहीं समझा तो औरों को क्या समझाएगा. राइट. तो बुध वर्गोत्तम होना बहुत आवश्यक है फॉर लर्निंग. इट इज अ ब्लेसिंग. मेरे स्थिर राशि में वर्गोत्तम है. इसका मतलब किसके? विष्णु भगवान के कृपा से मुझे ये बुध वर्गोत्तम का ये मिला है. क्लियर. ओके. राहु किसका है? राहु वर्गोत्तम होगा तो क्या होगा गुण? इसका मतलब क्या होगा? मैं बल की बात कर रहा हूँ, तुम कमजोरी की बात कर रहे हो. भोगी तो भोगी एक गुण नहीं होता रियली. जैसे आत्मा बल है, मन का बल है, मंगल का शरीर का बल है, वाच का बल देता है बुध, घी का बल देता है बृहस्पति,
ओजस का बल देता है शुक्र। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का शब्द बोलो मुझे, एक शब्द बोलो। अनोखा सोच का बल देता है। ये बल है या कमजोरी है? आपके दिमाग में तरह तरह के बातें आ रही हैं, वो बल है कमजोरी है मन का? रिसर्च सीमा पार कर सकता है राहु। राहु बल देता है कि आप हर सीमा टप जाओ, कोई सीमा नहीं रहता, सीमांत, सीमा का अंत करने का, सीमा का अंत करने का बल देता है राहु। कोई चीज में भी, कोई चीज, आप किसी भी चीज, चाहे ये मेरा देश का सीमा है, आप ये सीमा अंत करके नया सीमा बना दोगे। कोई चीज विद्या में ये सीमा है, उस सीमा को टपने का बल देता है, सीमा का अंत करने का, सीमांत, वो सबसे बड़ा बल है राहु का। राहु किसी का बलवान नहीं है तो आप सीमा टप नहीं सकते हो, आप वो सीमा के अंदर ही बंधे रहोगे। इसीलिए बोलता है राहु एक सर्प है। सर्प माने वो सीमा जो होता है, बाउंड्री जो होता है, एक सर्प की बात ही होता है। वो बाउंड्री के अंदर सबको पकड़ के रखता है। ये बाउंड्री तोड़ने के लिए आपको राहु का कृपा चाहिए। किसी भी चीज, जीवन में कोई भी चीज ले लो, विवाह भी एक प्रकार का बंधन ही तो है। आप सीमा, सामाजिक सीमा में हो, ये सीमा टपने के लिए राहु का बल चाहिए। आप समझो, इसका अच्छा भी है, इसका बुरा भी है। हर एक चीज का अच्छा या बुरा है, बट राहु बल देता है सीमा का अंत करने का, लक्ष्मण रेखा तोड़ने का बल देता है। उसका बुरा चीज है, आप लक्ष्मण रेखा तोड़ दोगे। अच्छा चीज है, आप हर सीमा टप करके महादेव को पहुंच जाओगे, राइट? राहु बल दे रहा है, हम वर्गोत्तम की बात कर रहे हैं। वर्गोत्तम राशि में, इस राशि में, उस राशि में जाएगा तो वर्गोत्तम हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। अभी हम बात करेंगे कि अगर वो मेष राशि में वर्गोत्तम है और वृषभ राशि में वर्गोत्तम है, इस पर फर्क क्या है? भाव में सर, भाव में। हम भाव की बात ही नहीं कर रहे, हम राशि की बात कर रहे हैं। लगन वर्गोत्तम है तो क्या होता है बोलो? हम सारे खत्म कर दिए हैं, सारे ग्रह खत्म कर दिए, लगन की बात कर रहे हो, लगन बताओ। सैटर्न, सैटर्न वर्गोत्तम होगा तो क्या मिलेगा? दुख, दुख देखने का, दुख हजम करने का बल। देखिए, दुख सहन का बल एक बहुत बड़ा बल होता है, ट्रेमेंडस टॉलरेंस। आप कितना दुख हजम कर सकते हो, शनि कितना बलवान है आपके कुंडली में, जितना बलवान होगा उतना दुख आप हजम कर पाओगे, ठीक है? और कौन रह गया? देखना तो सबको पड़ता है, सहन कितने लोग करते हैं, सबको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि व्यू नहीं देखेगा, एवरीबॉडी विल सी। क्वेश्चन इज वेदर यू विल टॉलरेट इट एंड व्हाट इज हाउ यू विल रिएक्ट टू इट। आप हंस के लेते हो, मानते ही नहीं हो दुख है, या आप उसको लेकर के टूट पड़ते हो और बैठ के रोते रहते हो, वो शनि से पता चलेगा। काल पुरुष में शनि दुख दिखाता है और दुख हजम करना एक बहुत बड़ा बल होता है। उत्तम से उत्तम ब्राह्मण का यह चिन्ह है कि वो दुख पूरा हजम कर जाएगा, वरना वो ब्राह्मण उत्तम नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मंगल बोला था फिजिकल स्ट्रेंथ बल। केतु, केतु से क्या है? मैथमेटिकल इंट्यूशन बेसिकली। शब्द क्या बोलोगे उसके लिए? प्रज्ञा, इंटेलिजेंस।
प्रज्ञा बोलोगे शब्द सब चलेगा केतु के लिए प्रज्ञा क्यों जी आपका क्या राय है वैसा विचार में डूबे हो केतु क्या राय है आपका केतु से कौन सा सीमा टप सकते हैं अगर केतु बलवान है वर्गो समय तो मोक्ष मोक्ष आएगा कैसे अगर प्रज्ञा नहीं आया अध्यात्म का कोई बल नहीं होता अध्यात्म तो एक मार्ग है आध्यात्मिक प्रकार का जीवन है वो एक मार्ग है तुम जितना भी इसके बारे में सोचो एक ही चीज पता चलेगा कि आध्यात्मिक तो एक मार्ग है या ये मार्ग पकड़ो या वो मार्ग पकड़ो बल का क्या मतलब है इसमें इनफैक्ट इसमें कोई अगर बलवान हुआ तो हम रियली वंडर कि वो मार्ग में है या नहीं अच्छा ये बताओ तो क्या इंपॉर्टेंट है किस चीज का बल देता है केतु प्रज्ञान और ज्ञान में फर्क क्या है और प्रज्ञा प्रज्ञा होता क्या बुद्धि किस प्रकार का बुद्धि जो मन से आत्मा से जुड़ी आत्मज्ञान वही है ना वही तो है जिसको मोक्ष वही तो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा और क्या लेके जाएगा मोक्ष की तरफ आप क्यों भगवान के बारे में सोचते हो आपके अंदर में ऐसा क्या चीज है जो आपको भगवान के बारे में वही चीज जो वो चीज केतु का बल है आत्मज्ञान तो सूर्य देता है प्रज्ञा पढ़ो इसके बारे में थोड़ा सा ओके लग्न वर्गोत्तम लग्न बलवान दीर्घ आयु मृत्युंजय शिव का बहुत ही फेवरेट है वो जिसका लगन वर्गोत्तम होगा ठीक है ना अच्छा अब देखो नवांश से हमने पहला लेसन आज किया वर्गोत्तम बता पुष्कर नवांश वर्गोत्तम थोड़ी होता है पुष्कर अंश और पुष्कर नवांश में फर्क है नहीं है नो आइडिया तुम्हें प्रश्न कैसे कर दिया आपने प्रश्न जब करोगे कुछ आइडिया रख के प्रश्न करो पुष्कर अलग होता है पुष्कर शब्द क्या मतलब है जो पुष्टि करती है तो ब्रह्मा जी कैसे हो गए ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है पुष्टि थोड़ी करता है सारे वक्त है तो आप भी बोल दिए ब्यूटिफुल पॉइंट शी इज गॉट पुष्कर स्पेंड जो पुष्टि करता पुष्टिवर्धनम कौन दे रहा है तो फिर पुष्कर नवाज ब्रह्मा का कैसे हो गया क्यों क्योंकि ब्रह्मा जी का एक मंदिर है और उसके बगल में जो छोटा सा तालाब है उसका नाम पुष्कर है बस पुष्करणी सबसे है वो पुष्टि करता है हर तालाब पुष्टि करता है कोई भी तालाब ले लो कोई भी पानी का स्थान ले लो वो पुष्टि करता है तो पुष्कर है तो पुष्कर का मतलब क्या है वो जो पुष्टि करता है राइट एनीवे स्टडी दिस मोर स्टडी विच नवांशज आर द पुष्कर नवांशज एंड विच अंशज आर द पुष्कर अंशज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू यस एज फार एज मार्स हैज गॉट इज अ डिफरेंट इशू वेदर द पर्सन हैज गॉट इज अनदर इशू As far as the person is concerned, physical strength will be there in the person. If Mangal is Vargottam, physical strength is bound to be there. Being debilitated shows how you will use it. भगवान ने आपको एक बल दे दिया जैसे ब्रह्मा जी आप पढ़ते हो ना असुर को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद कर दिया कभी ब्रह्मा जी किसी को आशीर्वाद कर देते हैं कोई ब्रह्मा जी का तपस्या करता है ब्रह्मा जी उसको आशीर्वाद करते हैं तू मरेगा नहीं दीर्घायु होगा तेरा
ये आशीर्वाद कैसे हम देखेंगे? वर्गोत्तम नवाब से देखेंगे। किसी भी कुंडली में अगर चर राशि में वर्गोत्तम है तो वो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, स्थिर राशि में वर्गोत्तम है तो विष्णु। क्यों? क्योंकि वो मध्यम नवांश होता है, और द्विजभाव राशि में वर्गोत्तम है तो शिव। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, विष्णु भगवान का आशीर्वाद और शिव जी के आशीर्वाद से हमें ग्रहों का वर्गोत्तम, ग्रह या लगन का वर्गोत्तम मिलता है। आप इस आशीर्वाद से अच्छा करके एक देवता बनते हो या बुरा करके एक राक्षस बनते हो, वो आपके कर्म है, राइट? ये ग्रह अपने पोजीशन अनुसार कि वर्गोत्तम किस भाव में है, अच्छा है बुरा है, उस सब अनुसार आपसे कुछ कर्म करने का, जैसे बोलते हैं कि पुश यू टुवर्ड सम एक्शन, रेस्ट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू बिकम अ राक्षस और यू वांट टू बिकम अ देवता। वर्गोत्तम इज अ स्ट्रेंथ, वो बल का आप क्या उपयोग करते हो वो आप पर निर्भर करता है। एम आई क्लियर ऑन दैट? राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नव अंश, नव भाव जो है वो धर्म का भाव होता है, राइट? धर्म के कितने पैर हैं? शास्त्र क्या कहता है? चार पैर है, ठीक है, चार पैर हैं, तो चार पद होने चाहिए, वेरी गुड। अच्छा, ये चार पैर जो है धर्म के क्या क्या दिखाते हैं? ये तो आयन है धर्म का, चार पैर थोड़ी है। धर्म का चार पैर क्या होता है? कोई सिंपल सा चीज है। सबसे पहला सबसे बड़ा धर्म क्या है? विश्व धर्म। सबसे पहला टांग जो है, देयर इज अ बुल कॉल्ड धर्म एंड दैट बुल हैज गॉट फोर लेग्स। व्हाट डू दिस फोर लेग्स मीन? फर्स्ट लेग इज विश्व धर्म, वासुदेव कुटुंबकम, प्रथम धर्म। द्वितीय धर्म राष्ट्र धर्म, तृतीय थर्ड वन समाज, अपना समाज या अपना परिवार जो बोलते हैं, चतुर्थ स्वधर्म। सत्य युग में क्या होता है? व्यक्ति चारों धर्मों का पालन करता है। प्लीज नोट किया जाए केयरफुली, सत्य युग में व्यक्ति चार धर्म का पालन संपूर्ण करेगा। त्रेता युग में वैसुदेव कुटुंबकम भूल जाएगा, और राष्ट्र जाति और स्वधर्म ये तीन धर्मों का पालन करेगा। फिर द्वापर युग, द्वापर युग में जाति धर्म और स्वधर्म। क्या बात करते हो यार, कभी तो क्लास को फॉलो किया करो। राष्ट्र धर्म भूल जाता है, करेक्ट, फॉलो करते हैं वो बताना। तो क्या फॉलो करता है? जाति धर्म, समाज का धर्म और स्वधर्म। जाति धर्म ही समाज, क्या जाति धर्म और स्वधर्म फॉलो कर रहा है, क्या क्या भूल रहा है वो? राष्ट्र धर्म भूल रहा है, ध्यान पर रहे ये बात। और चौथे कलयुग राशि में क्या करता है वो? केवल स्वधर्म का पालन करता है। अब हम चार प्रकार के राशि मानते हैं। चर राशि जो है, चर राशि कितने हैं? चार है ना, चार चर राशि जो है, ये चार चर राशि को हम चार प्रकार के चर राशि मानते हैं। मेष को हम सत्य युग मानते हैं, नोट करो, नोट करो, भूल जाओगे, नोट करो। मेष को हम सत्य युग राशि मानते हैं, कर्क को त्रेता, तुला को द्वापर और मकर को कली,
क्लियर हो गया? ये राशि, ये जो हम राशि बोलते हैं, ये एक्चुअली राशि चक्र में है या नवांश चक्र में है? हम धर्म की बात करते हैं तो किस चक्र में करते हैं? नवांश चक्र में करता है। धर्म तो नवांश चक्र की बात हो रही है, क्लियर? तो कोई ग्रह मेष नवांश में होगा तो आप क्या बोलोगे कि व्यक्ति जो है चारों धर्म पालन करने का बल रखेगा। कोई ग्रह अगर कर्क नवांश में है तो तीन धर्म पालन करने का बल रखेगा, अगर तुला में है तो दो धर्म, मकर में है तो एक धर्म। क्लियर हो गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके त्रिकोण में जो स्थिर राशि और द्विजभाव राशि होते हैं वो भी इसी के तरह होते हैं। जैसे मेष के त्रिकोण में कौन आए? सिंह राशि आया, स्थिर राशि, और द्विजभाव राशि कौन सा है? धनु। ये सारे सत्ययुग की तरह, सत्ययुगी मेष के तरह है। ये चारों धर्म पालन करने का बल देंगे, ठीक है? तो अगर सिंह राशि में कोई ग्रह बलवान वर्गोत्तम है तो जरूर उस ग्रह के सारे गुण व्यक्ति में होंगे और वो चारों धर्म पालन करने का बल रखेगा उस भगवान के कृपा से। क्लियर हो गया? Am I being understood very very clearly? उसी तरीके से अगर मकर राशि में कोई ग्रह है और उसके त्रिकोण में कोई ग्रह है तो वो वृषभ में हो या कन्या नवांश में हो वो तो सिर्फ एक धर्म पालन करने का, स्वधर्म पालन करने का बल देगा। इसको हम सबसे कलंकित राशि बोलते हैं। तो इन नवांशों में जो ग्रह होते हैं इनके वक्त आने पर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है और संसार के बारे में नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि वो इतना, वो अगर 100 रुपए का मेहनत करता है तो उसको 25 रुपए का फल मिलता है। क्योंकि उसको 25 रुपए का फल मिलता है इसलिए वो अपना ही धर्म पालन कर पाता है, बाकी का नहीं करता है। Am I clear on that now? तो हमको ये देखना है कि कौन कौन से ग्रह कौन कौन से नवांश में बैठे हैं। जो ग्रह पृथ्वी नवांश में है, पृथ्वी नवांश माने मकर, वृषभ, कन्या, वो अच्छा बल नहीं देते, वो कलयुग राशियों में है, कलयुग का भाती फल देते हैं। जो अग्नि नवांश में होते हैं वो सत्ययुग की भांति फल देते हैं, जल नवांश में होते हैं त्रेतायुग की भांति फल देते हैं, और वायु राशि में होते हैं वो द्वापर युग की तरह फल देते हैं। क्लियर हुआ ये बात? कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज कि किस प्रकार के नवांश में है ग्रह और उससे बल कितना होगा। आप चारों धर्म निभाओगे, 100 रुपए मिला तो क्या 25 रुपए देश का टैक्स भरोगे? वर्ल्ड के लिए 25 रुपए, वो कंट्री के लिए 25 रुपए, मेरे फैमिली और के लिए 25 रुपए और मेरे लिए 25 रुपए करोगे? ये जो करेगा आप संपूर्ण सतयुग में हो। दैट इज द वे यू शुड स्पेंड योर मनी। ओके, एम आई क्लियर ऑन दिस? राइट, नाउ हैविंग understood the yuga rashis, next we will go into what is known as the four directions of dharma. हमने चार पैर देख लिए, अब वो जो धर्म जो बुल है धर्म का उसका मुंह किस तरफ है? उसका मुंह ईस्ट के तरफ है, वेस्ट के तरफ है, नॉर्थ के तरफ है या साउथ के तरफ है? किस तरफ उसका मुंह है? ब्रह्मा चतुर्मुखी होते हैं, क्यों होते हैं? धर्म के कारण होते हैं। जिस तरफ मुंह होगा वो धर्म पूरा करेगा, ठीक है ना? गाय बड़ी, आप जानते हो गाय कभी बैक नहीं चल सकती है, पता ही बात
नहीं पता। गाय जो है कभी भी पीछे नहीं हट सकती है, पीछे हट ही नहीं सकती, वो बैक नहीं कर सकती है। कोई भी और जानवर बैक हो सकता है, गाय नहीं हो सकती है। गाय का कदम सदैव आगे रहेगा। चेक करो, चेक करके मुझे बता दो। वेरी पिकुलियर थिंग, इट्स अ वेरी पिकुलियर थिंग। नाउ ये जो उसका मुख किस तरफ है, चार प्रकार का धर्म होता है, चार तरफ मुंह हो सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अभी हम लगन पर आ जाते हैं। जो राशि लगन नवांश लगन के त्रिकोण में है वो धर्म का आयन देते हैं। बात समझ गए? जो राशि लगन के त्रिकोण में है, लगन के त्रिकोण में कौन कौन सा राशि होता है? 159 धर्म त्रिकोण होता है वो। अर्थ त्रिकोण क्या है? 2, 6 और 10। जो राशि 2, 6 और 10 में है वो अर्थ का आयन देते हैं। जो राशि 3, 7 और 11 में होते हैं वो काम का आयन देते हैं। और जो राशि 4, 8 और 12 में होते हैं वो मोक्ष का आयन देते हैं। आयन दो प्रकार का होता है, एक आत्मा का होता है और एक बुद्धि का होता है। मन का आयन कोई माने नहीं रखता, क्योंकि हर क्षण वो बदलता है। इट इज यूजलेस, डोंट वेस्ट योर टाइम विद द चंद्र लग्न एंड चंद्र कुंडलीज। हर क्षण बदलता है, कितना सरपट को गए उसको लेकर के। लगन को देखो, आत्मकारक को देखो, आत्मा का आयन देखो और बुद्धि का आयन देखो। ये दो चीजें माने रखती हैं, दीज आर वेरी क्रूशियल। ठीक है? जो ग्रह शुभ ग्रह हो और दशम भाव में है नवांश में, वो गारंटीड आपको धन देगा। चाहे जमीन कुछ भी हो जाए, वो ग्रह आपको धन जरूर देगा। और वो इसलिए देगा क्योंकि पिछले जन्म में आपने उस देवता का मंदिर में धन भर दिया था। वो आप ही का धन है, भगवान को आपके धन का कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो धन मंदिर में दिया है वही इस जन्म में फल स्वरूप में आ रहा है। कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता। सो व्हाट एवर यू हैव गिवन, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग बैक। सो द 10th हाउस इन द नवांश चार्ट, इफ इट हैज गॉट बेनिफिट प्लैनेट, इट विल गिव यू मनी गारंटीड। इफ इट इज हैविंग मैलिफिक प्लैनेट, इट विल टेक अवे मनी गारंट, धन बर्बाद करेगा जरूर, क्योंकि आपने कुछ देने का वादा किया था, आपने वादा पूरा नहीं किया। इस जन्म में आपको पूरा करोगे वो लेके जाएगा। सो अर्थ आयन से हम क्या समझते हैं? जो चीज आपको धन देने में या धन हराने में काम देता है वो धन संबंधित होता है। ठीक है? Either it is increasing wealth or it is decreasing wealth, but it is related to wealth, and that is the 10th house in the Navamsh. मैं इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं फ्रॉम द राशि चार्ट। राशि चार्ट से कोई मतलब नहीं है, ये तो आपका पुण्य की बात कर रहा है पिछले जन्म का, जो इस जन्म में फल देगा। आप इसको लेकर के क्या करोगे उसको फिर मैं राशि चार्ट में जाऊंगा। धन मिलने के बाद आप क्या करोगे? जाके शराब गड्ढे में शराब पी लोगे? ये क्या करोगे उसका? वो मैं आपके राशि कुंडली, दशांश कुंडली, बाकी कुंडलियों से देखूंगा। पहले तो ये देख लूं कि भाग्य में है या नहीं। राइट? आप मुझे ये बताओ, यहां जितने जन हैं, आप सबके कुंडली में 10th हाउस में कोई बेनिफिट प्लैनेट है? किन किन का है? राहत प्रकृत आपका है यार, सारा राम कहानी के बाद तुम ये प्रश्न करोगे। मून वीनस और जुपिटर है। किसका? मून
आपका है, आप बहुत धनी हो। तो नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है, ये गलत होगा कुंडली। शुक्र है, आपने पैसे कमाए शुक्र के बल से, गवर्नमेंट का जॉब है, पैसे कमाया, अच्छा गुड। मून है टेंथ में, क्या कमाया है बताओ, कैसे कमाया? सर्विस से कमाया है। कैसा है मून, अच्छा स्ट्रांग है, मेष राशि का, ठीक ठीक है, ठीक है, अच्छा कमाया सर्विस से। हाँ बताओ, बुध है और राहु भी है, बुध से क्या कमाया मुझे बता दो। कुछ नहीं कमाया, क्या करते हो आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कौन सा बुध से है ना, लिखते हो ना सॉफ्टवेयर, राइटिंग है, बुध से कमा रहे हो, राहु पे गवा रहे हो। क्यों, याद रखना बुध जितना अच्छा पैसे देने में, राहु उतना गंदा है पैसे लेने में। और एनीबडी एल्स हैज एनी मोर प्लैनेट्स? टेंथ हाउस नवांश, मैनेफिक, क्या बताओ? राहु टेंथ हाउस में, शाबाश, गवाने में एक्सपर्ट सब। राहु राहु क्या माना, क्या बात करते हो, खर्च तुम करते हो, मुझे पूछ रहे हो कहाँ खर्च करते हो। राहु का कोई सीमा है? वो हर सीमा टप जाता है, खर्च करने में सीमा टप जाता है, बियॉन्ड योर पर्स, समझ लो। राहु तो सीमा होता है ना, हमने अभी 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 राहु की बात जब की, हम सीमा की बात कर रहे हैं, आप सीमा टप जाओगे, आप खर्च करने में घबराते नहीं हो, घबराते हो। राहु क्या बलवान है कमजोर है? राहु बलवान है कमजोर है? मीन का राहु इसमें थोड़ा घबराते हो, बलवान है ना इसमें घबराते हो। मत, हम दोबारा जन्म नहीं लेने वाले हैं, खाओ पियो मौज करो। ये टेंथ हाउस अर्थ त्रिकोण जो है, अर्थ त्रिकोण का एक ही फिलोसॉफी है, खाओ पियो मौज करो। अगले जन्म में भगवान जाने क्या बनाएगा, चीटी बना देगा तो थोड़ी पता चलेंगे। राहुल पैसेज इज गुड, अकॉर्डिंग टू जेमिनी इट इज गुड। प्लैनेट नहीं है तो क्या मतलब है, पैसा आना जाना नहीं होगा। मत, हम दोबारा जन्म नहीं लेने वाले हैं, खाओ पियो मौज करो। ये टेंथ हाउस अर्थ त्रिकोण जो है, अर्थ त्रिकोण का एक ही फिलोसॉफी है, खाओ पियो मौज करो। अगले जन्म में भगवान जाने क्या बनाएगा, चीटी बना देगा तो थोड़ी पता चलेंगे। राहुल पैसेज इज गुड, अकॉर्डिंग टू जेमिनी इट इज गुड। प्लैनेट नहीं है तो क्या मतलब है, पैसा आना जाना नहीं होगा। राइट, वी विल टॉक अबाउट अदर सिचुएशंस। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, जिन लोगों का ग्रह है आप देखो जरूर उनके कुंडली में असर क्या होगा। वो ग्रह जो टेंथ हाउस नवांश में है, और वाकई है, देखो उसके केस में शुक्र का है, अगर आपका शुक्र चंद्र और बुध टेंथ में बैठा तो यू शुड बी करोड़पति है, यू शुड बी अकॉर्डिंग टू शास्त्र। वेयर आर यू, लुक एट हिज शुक्र इन टेंथ हाउस, एक ग्रह से कितना कमा लिया उसका, देखो बुध है टेंथ में, जरूर कमा रहा होगा, अच्छा और भी कमाएगा। और एज कितना हुआ तुम्हारा? अभी तो 25 ही हुआ, आप देखो आगे चल करके देख रहे हो। एक ग्रह चाहिए बलवान टेंथ हाउस फ्रॉम नवांश, वो तो नहीं पूछा मैंने, टिके रहो यहाँ पर, पैर को नीचे रखो, फील करो ऊपर में है क्या, फील करो, हाँ नीचे रखो, नीचे रखो, अच्छा ठीक रहेगा। यू सी यू विल बी ऑन द ग्राउंड, देख रहे हो तुम कैसे नवांश में दशम भाव में ग्रह जो है कैसे असर करते हैं। पैसा बहुत बलवान होता है, पैसे का बल को अंडर एस्टिमेट मत करो। पैसा व्यक्ति को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है पैसा व्यक्ति को, कोई बोल सकता है मुझे, कोई उदाहरण दे सकता है? आत्मबल वीक होगा तो पैसा, आत्मबल हम आत्मा को छोड़ देते हैं उस टाइम के लिए, हम सिर्फ लगन से बात कर रहे हैं अभी, वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ लगन, राइट। लगन से टेंथ हाउस में एक ग्रह है, वो ग्रह आपको पैसा दे रहा है, वो पैसा देते जा रहा है या पैसे गवाते जा रहा है, उससे आपके बुद्धि पर क्या असर हो रहा है?
एटीट्यूड का प्रॉब्लम क्यों आ जाए? तो व्यक्ति बदल रहा है उस पैसे के कारण, आपका बुद्धि जो है उस पैसे के लेन देन से आपका बुद्धि बदल रहा है या नहीं है ना? पता तो चल रहा है कि है, मगर हम ज्योतिष से कैसे देखेंगे ये अलग बात है। हम ज्योतिष से ये चीज को कैसे देखेंगे, सिर्फ जैमिनी सूत्र में दिया गया है कि ये नवांश के टेंथ हाउस में जो ग्रह है उसके आने जाने से, वो पैसे के आने जाने से व्यक्ति का बुद्धि कैसे बदलता है, ये जैमिनी सूत्र में दिया गया है। जैमिनी बोलते हैं कि बुध ग्रह अगर नवांश के दशम भाव में रहा तो शनि का सारा गुण उसके लगन पर होगा। ये अजीब सा बात नहीं है? दोबारा सोचो, जैमिनी कुछ एक छोटे सूत्र में एक उदाहरण देकर के एक प्रिंसिपल बता देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ मर्कुरी इज इन द टेंथ, सी द डिक्टम, इफ मर्कुरी इज इन द टेंथ हाउस इन द नवांश, द नेचर ऑफ द पर्सन, ये जो उसका लगन जो है, नवांश लगन मतलब बुद्धि है ना आपका, उसके ऊपर शनि का असर आ रहा है। शनि का असर मतलब व्यक्ति जो है बहुत मेहनती होगा और वो जो है टेंडेंसी होगा उसका कि पुराने जमाने का चीज को फॉलो करना। दो चीजें हैं, शनि मतलब ये नहीं कि शराब पी के गिर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, नवांश की बात कर रहे हैं। नवांश में शनि लगन पर असर करे तो व्यक्ति मेहनती होता है और पुराने जमाने की चीजों को लेकर के चलता है। कन्वेंशनल बाप दादाएं करते थे, भाई मेरे गुरुदेव ने मुझे कह दिया मैं वैसा ही चलूंगा, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना, अपने बड़ों को लाइन में चलता है वो। बुध अगर नवांश में टेंथ में है आपका, है ना, ठीक है, ये होगा, आप देखना 32 तक आप पूरा बदल जाओगे। यू विल स्टार्ट फॉलोइंग ट्रेडिशनल थिंग, यू विल ऑल्सो बी वेरी हार्ड वर्किंग, यू वर्क हार्ड समटाइम्स नाउ नो, जैसे एज बढ़ता जाएगा यू विल बिकम मोर एंड मोर हार्ड वर्किंग। बुध जितना बलवान होगा उतना ही तुम हार्ड वर्किंग करोगे। अजीब सी बात है, क्यों वो बुध आपके लगन पर शनि का असर दे रहा है, कोई कह सकता है? इसका एक बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। करेक्ट, वार चक्र आता आपको, वार चक्र बड़ी सिंपल है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आता ना, इसको वार चक्र बोलते हैं। ये जो वार होता है ना रविवार से लेकर के शनिवार तक, इसको वार चक्र बोलते हैं। इसके साथ हम राहु और केतु भी जोड़ते हैं तब वार चक्र पूरा होता है। शनि के बाद हम राहु केतु को रखते हैं, ठीक है। अब बुध से, बुध कौन सा हाउस में है, टेंथ हाउस। आप टेंथ हाउस से लगन तक गिनो कितने हाउस हुए, 10, 11, 12 लगन, चार हुए। अब बुध से गिनो ग्रह, बुध आया टेंथ हाउस में, अच्छा बुध के बाद कौन सा ग्रह है हमारे चक्र में, बुधवार के बाद गुरुवार आता है, फिर गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, फिर शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। देखो शनि आया ना लगन पर, बुध अगर दशम भाव में आया तो लगन पे शनि का फॉर्मूला देखो, महर्षि जैमिनी कितनी बड़ी बात कह गए। अच्छा आपका कौन सा ग्रह है, शुक्र है टेंथ हाउस पर, तो शुक्र, अच्छा इनके लगन पर कौन सा ग्रह का असर होगा, करो फिर से, शुक्र फिर केतु का होगा। तो देखो देखो, शुक्र फिर शनि फिर राहु फिर केतु, शुक्र टेंथ हाउस में है तो लगन पर केतु का बहुत जोर का असर होगा, ठीक है। व्यक्ति गणित की तरफ बहुत इंटरेस्ट लेगा, व्यक्ति जो है ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट लेगा, इंट्यूशन की तरफ हर चीज का इंटरेस्ट लेगा, बहुत इंट्यूटिव होगा, केतु ग्रह का बहुत स्ट्रांग असर होगा उनके ऊपर। देख रहे हो ये क्या बढ़िया सा फॉर्मूला, क्या कमाल का चीज कह दिया जैमिनी ने, पैसा जो है व्यक्ति को बदलने का बल रखता है। आप इसका ये बल है, ये इंपॉर्टेंस है कि कोई ग्रह, इसका महत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ग्रह अगर नवांश लगन के टेंथ हाउस में आ जाता है उसके दशे में व्यक्ति बदल जाएगा। तो तीन चार रूप धारण करेगा व्यक्ति उसके दशानुसार,
देखो उनके दो ग्रह हैं इनके ना आपके, एक बुध है, एक बुध से आपको एक सुंदर रूप मिलता है शनि का, ट्रेडिशनल फॉलोअर ऑफ द स्क्रिप्चर्स, जो है हार्डवर्किंग, और राहु अगर टेंथ में रहा तो क्या देता है वो, राहु, फिर केतु, फिर सूर्य, फिर चंद्र आता है, तो चंद्र का असर लगन पे आ जाता है, चंद्र का असर लगन पे आ जाता है, तो व्यक्ति जो है आमोद प्रमोद मजा गाना, आपको गाना पसंद है, सुनना बहुत पसंद है, लाइन्स बहुत असर रहता है ना, राइट। चंद्र देखो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी बैठे, चंद्र आसमान पे बैठे, बारहवें या तेरहवें में हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर दशम भाव में आपका राहु है तो आपके लगन पर चांद का असर जरूर होगा, और राहु जब जब आएगा, राहु के पीरियड जब जब आएंगे, वो व्यक्ति के ऊपर चांद का असर आएगा और वो तीर्थ करेगा। इसीलिए ऋषि लोग बोलते हैं कि राहु अगर दशम में रहे तो व्यक्ति तीर्थ पे जाता है। इट इज नॉट सेड इन D1, इट इज सेड फॉर 10th हाउस, पीपल हैव अज्यूम्ड इट इज फॉर D1। सीमा पॉइंट, मून इज सत्व गुण एंड मून लाइक्स टू ट्रैवल। जल तत्व है, जल तत्व ट्रैवलिंग करवाता है, शुक्र ट्रैवलिंग करवाता है फॉर प्लेजर, चंद्र ट्रैवलिंग करवाता है फॉर सत्व गुण कार्य। समझ में आया? शुक्र देखो दो ग्रह आपको ट्रैवल का योग देते हैं, एक शुक्र देता है मगर शुक्र रजत के कारण देता है, एक चंद्र देता है वो सत्व के कारण देता है। बाकी फॉर एग्जाम्पल गुरु, फॉर एग्जाम्पल गुरु बोलेगा पागल हो गया, भगवान को खोजने के लिए 1000 माइल जा रहा है, भगवान तेरे अंदर में है, क्या खोज रहे तू उसे। चांद बोलेगा नहीं नहीं, भगवान वो है ना, वो वैष्णो देवी मंदिर वहां पर है, वहां है, वहां से बोलेगा वहां जाके पहुंचोगे, अरे वहां नहीं यार, वो देखो वृंदावन में है। चांद मन है ना, मन भक्त रहता है, वैसे आप भगवान को खोजते रहते हो। Yes. Yes. So you are having Rahu in the 10th from? In the Vamshila. Yes. And that too. So you must have done lots of pilgrimages in your life. Dekho. Aapne kya kuch pilgrimage? Ek do bar kya. Ek do bar kya. Ek do bar kya. He wants that his whole horoscope should be explained within 25 years. Sab kuch. Okay. Now let us go into our 10th house Navamsh, clear ho gaya? Ab 7th house Navamsh lagan. Abhi to ye ek cheez to bahut clear ho gaya. Iska matlab koi bhi grah 10th house from Navamsh lagan rahe to usko please dhyan se dekho. Paisa vyakti par bahut asar kar sakta hai. Achha hai. Iska matlab paisa asar nahi kar raha. Paisa sabka aata jata hai, par asar to nahi kar raha. पैसा इस आने जाने से उस पर फर्क पड़ेगा। बुध अगर फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में है, उसको ज्यादा पैसा मैं दे दूंगा, वो ज्यादा मेहनत करेगा। बिकॉज मैंने नहीं पूछा, वो बिकॉज तो आपका लॉजिकल है, वो आपका लॉजिक है, मेरा लॉजिक नहीं है, बिकॉज आपका लॉजिक है। बिकॉज इफ यू टेल मी बिकॉज शुक्र इज इन 10th हाउस फ्रॉम नवांश, देन आई विल अंडरस्टैंड। यस यस यस, सही बोल रहा है ये। इफ यू टेल मी बिकॉज यू हैव टाइम, इसका क्या मतलब है? इससे पहले तुम्हारे पास घड़ी नहीं था या टाइम नहीं था? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ये बताओ, इससे पहले ना तो आपके हाथ में घड़ी था, ना आपको घड़ी देखना आता था, तो क्यों आपने नहीं किया ज्योतिष बिफोर दिस? यू डिंट हैव टाइम। ये डिंट हैव टाइम का क्या मतलब है? आप एक घंटा कम सोचे? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे ये एक्सक्यूज कभी मत दिया करो, डिंट हैव टाइम वाला एक्सक्यूज। मैं नहीं मानता हूं, आई हैव गॉट मर्कुरी इन टर्म्स फ्रॉम नवांश लगन, डिंट हैव टाइम मेरे लिए अप्लाई नहीं करता।
समझ रहे हो, तुम्हारा वक्त नहीं आया था. इफ यू बिकॉज शुक्र इज इन 10th हाउस, इफ यू टेल मी आई विल अंडरस्टैंड. सो वेन एवर यू हैव टू गिव मी एन आंसर, गिव मी एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग. After, no, we just now also said na that because I didn't have time. You also said that. Yes, Ketu makes mistakes. जल्दबाजी में गलती कर देता ना. देखो एक करेक्ट बोला, एक गलत भी बोल दिया. अच्छा तो क्लियर हो गया, गलत नहीं करना मेरे साथ, मैं पकड़ लूंगा. ओके तो हो गया. अब 7th हाउस पर आ जाओ. 7th हाउस है काम त्रिकोण. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव बनता है. ये तय करता है कि आपके बीवी का नेचर क्या होगा. ठीक है, नवांश में सप्तम भाव स्वयं बीवी का लगन बनता है. योर बीवी या पति, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, सप्तम भाव उसका लगन बनता है. मुझे एक बात का जवाब दो, वाइफ जो है आप पर असर करती है या हस्बैंड आप पे असर करता है? करता नहीं करता? करता है, राइट, ये मानते हो, थैंक गॉड. नाउ कुछ लोगों पे ज्यादा असर करता है, कुछ लोगों पे कम असर करता है, ये भी है. किन लोगों पे ज्यादा असर करेगा? 7th हाउस में कुछ स्ट्रॉन्गर नहीं, नहीं स्ट्रांग भी नहीं, ग्रह हो. अगर ग्रह वहां पर होंगे तब वो असर करेगा, जरूर करेगा. ग्रह नहीं है तो वो आपको इतना बदल नहीं पाएगा. आप अपना स्वभाव रखोगे, यू विल मेंटेन योर नेचर. कई लोग शादी के बाद टोटली बदल जाते हैं, सुना है ना. फिर यार देखो वो आजकल शराब के अड्डे पे जाता नहीं, वो उसके उसकी शादी हो गया ना, सुना है वो केसेस, कई सुने हैं केसेस. उन सब के कुंडलियों में 7th हाउस में सम प्लैनेट मस्ट बी देयर, सम कंट्रोलिंग फैक्टर मस्ट बी देयर, राइट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग काम त्रिकोण. द ब्यूटी ऑफ दिस हाउस इज जो ग्रह वहां पर रहेगा वो बीवी जो है उस ग्रह का सारा नेगेटिव हजम कर जाएगी. बीवी का काम होगा उस ग्रह का सारा नेगेटिव हजम करना. इट्स अ वेरी टफ जॉब. अच्छा आप लोगों के किस किस के कुंडली में क्या क्या ग्रह है, आपका है क्या? शुक्र बृहस्पति और मंगल. तो आपके बीवी का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता होगा आपका शुक्र बृहस्पति और मंगल का मरकुरी जो नेगेटिव हो वो हजम कर जाए, उसकी जिम्मेदारी बनती. वैसे नेगेटिव खास है नहीं इनमें, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वेरी गुड. जुपिटर है विच इज वेरी गुड. और बताओ, सैटर्न है, नेगेटिव बनता है ना वहां पर, तो वो तो हजम करना है. तो वाइफ हैज टू हैंडल योर नेगेटिव शनि. आपको डिप्रेशन विप्रेशन होगा तो शी विल हैव टू हैंडल दैट. हाँ जी बताओ. और सैटर्न है. अब मैं जब बोलता हूं नेगेटिव हजम करना, इसका क्या मतलब है? आप वो कैसे करती है नेगेटिव हजम? हाँ जी. यस. हाउ डू यू नो दैट शी विल ऑल्सो नॉट बी द कॉज ऑफ द डिप्रेशन? शेयर तो होगा ही होगा ना. जब वो डिप्रेशन का कारण बनेगी तो तभी बोलोगे यार तू दुखी करके रखा है मेरे को, है नहीं? दोनों चीजें होती हैं इसमें. देखो दोनों चीजें होती हैं. इन द पॉजिटिव, इन द पॉजिटिव वो शनि अगर डिग्निफाइड है, अपने घर में स्वगृही है, अच्छा शनि, वो उच्च का शनि है, तो वो पाप को, वो दुख को हजम कर देगी. अगर नहीं है तो वो दुख का कारण बन सकती है, या कहीं और से भी दुख आएगा, आप सारा उसके ऊपर निकालोगे. समझ रहे हो आप? नेगेटिव समझा करो. कहीं और का प्रॉब्लम आप अपने बीवी के साथ थोपोगे. अगर पाप ग्रह सप्तम में है तो
वन टू आप देखना उसके स्वभाव भी जो होगा उस ग्रह के अनुसार होगा। आपका सप्तम में शनि है तो आपके बीवी के कुंडली में शनि बलवान जरूर होगा लग्न त्रिकोण में। अगर मेरा मंगल है सप्तम में तो मंगल हैज टू बी वेरी स्ट्रांग इन दिस स्पाउसेस चार्ट इन लग्न त्रिकोण, इट हैज टू बी, क्योंकि उस गुण के कारण आपने उससे शादी किया है, उस ग्रह के कारण आपने उससे शादी किया है। ठीक है, तो अगर बुरा या किसी और को बुरा बोलने से पहले अपना कुंडली में एक बार झांक करके देखो कहीं कुछ कर्म पेंडिंग तो नहीं है आपकी कुंडली में। आप अपने ही नवांश का सप्तम भाव को देखो किसी और को बोलने से पहले। 99% यू विल फाइंड इट, यू विल फाइंड इट, कुछ ना कुछ ग्रह वहां रह जाएगा। ठीक है, बताइए। ऑफ द वाइफ करेक्ट, वो कुंडली उसकी बन जाएगी, तो विल दैट बी इफेक्टिव टू सी समथिंग आउट ऑफ दैट? कंप्लीटली, वी कैन टेल एवरीथिंग अबाउट द वाइफ, everything about the wife, father in law, mother in law, everything, totally will be able to tell it, that and upapada indra rashi chart, dono cheez dekhna padta hai, lekin grahon ka pata nahi lagega, kyun nahi pata chalega, ye lagan ka pata lag gaya wife ke, kaise pata chal gaya, nahi lagan ka, jaise je navasha ka do husband ki kundli mein navasha 7th house mein rashi hai, nahi 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 सेवेंथ हाउस में राशि, देखिए नवांश कुंडली में जो सप्तम भाव है, आप नवांश कुंडली को यूं घुमा दो उल्टा, ठीक है ना, आप उसको बीवी का कुंडली मानते हुए अपना दशा को लेते हुए प्रेडिक्शन करो, आप गलत नहीं होगा आपका प्रेडिक्शन, इट विल बी करेक्ट। बड़ी सिंपल सा रूल है पराशर जी का, एकदम काम करता है, फर्स्ट क्लास काम करता है एवरीथिंग पूरा। आपने यूं उल्टा कर दिया, सेवेंथ हाउस को फर्स्ट हाउस में लिया है, डायरेक्ट प्रिडिक्शन करो, कहीं गलत नहीं होगा, बी श्योर। उसका कुंडली अगर निकालना है तो फिर राशि कुंडली का उपपद जो है वो बीवी का लगन होगा, वो बाकी चीजें हैं जरा सोम थिंग्स टू दैट, इट विल बी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा ही होगा वो जो है वो। ओके एनीवे वी हैव डन दिस पार्ट नाउ, सप्तम भाव को काम मतलब जो इच्छा रह गई थी अच्छा या बुरा वो जरूर पूरा होगा। ठीक है, मोक्ष त्रिकोण पर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट त्रिकोण बनता है, ये मेरे अनुसार ये सबसे इंपॉर्टेंट है मोक्ष त्रिकोण, फोर्थ एट्थ एंड ट्वेल्थ। फोर्थ हाउस व्यक्ति का हृदय होता है, यहां से पता चलता है कि उसके अंदर का हृदय कैसा है, साफ है या अपवित्र है। बृहस्पति शुक्र शुभ ग्रह वहां बैठे तो हृदय पवित्र माना जाता है, पाप ग्रह बैठे तो अपवित्र हृदय माना जाता है। अगर इस भाव में पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति विष्णु भगवान को निंदा करता है, शुभ ग्रह बैठते हैं तो विष्णु भगवान को हृदय से बहुत प्यार करता है और सारा संसार को मेरा घर मानता है, मेरा कुटुंब मानता है। इस निर्णय में केतु को पाप ग्रह नहीं लेना क्योंकि वो मोक्ष कारक है, केतु को इस निर्णय में, क्योंकि फोर्थ हाउस को हम मुक्ति के लिए देख रहे हैं, अगर पाप ग्रह इस भाव में रहते हैं वो व्यक्ति का तबियत खराब कर देंगे, शुभ ग्रह रहते हैं तबियत अच्छा हो जाएगा। क्यों? ये ग्रह मन पर क्षण में असर करते हैं, एक क्षण में। इन ग्रहों का आप मात्र नाम पुकारने से ये ग्रह तुरंत दौड़े आते हैं,
विष्णु की भांति है, बुलाते ही आ जाते हैं वो। जो ग्रह चतुर्थ में बैठा है, आपने गलती से इसका मंत्र बोला, वो मंत्र वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। मात्र नाम, मात्र कलयुग में तो मात्र नाम देने की जरूरत है। नाम दे दिया, वो आ गए, प्रकट हो गए। वो अच्छा होगा या बुरा होगा वो डिपेंड करता है वो ग्रह के अनुसार। पाप ग्रह है तो बुरा ही होगा, आपका तबियत खराब हो जाएगा, मेंटल टेंशन होगा। शुभ ग्रह है तो आपका जितना मानसिक ताप है सब दूर करके सुखी कर देगा आपको। सुख और दुख, असली सुख दुख इसी भाव से आता है। सुखी व्यक्ति को मुक्ति मिलता है, दुखी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलता है। बड़ी सिंपल सा रूल है। इस भाव को पहले साफ करो, कोई और भाव के बात करने के, बड़े बड़े चीजें बात बात करो, पहले अपने हृदय को साफ करो। कैसे साफ किया जाए हृदय? इसको साफ करने के लिए शंकराचार्य ने सुंदर सा चीज बोला, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। माता को चतुर्थ भाव में हम देखते हैं ज्योतिष में, और हम अभी फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। सो फोर्थ हाउस में जो ग्रह बैठा है वो मात्र या शक्ति स्वरूप है, वो देवी दुर्गा का रूप है, मां का रूप है। वो मां को नमस्कार करना और इस ग्रह को, इस ग्रह की मां को नमस्कार करना एक होता है। इस ग्रह की मां को आप नमस्कार करोगे, वो ग्रह का हर पाप दूर हो जाएगा और आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। समझ रहे हो? एकदम क्रिस्टल क्लियर। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ द मदर, फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ द गति। फोर्थ हाउस नहीं साफ हुआ, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस कभी भी नहीं होगा। डोंट टॉक अबाउट बिग थिंग्स अनलेस योर इंटेलिजेंस इज क्लीन। सो फोर्थ हाउस को पहले साफ करो। लेट अस से समबडी हैज शनि इन फोर्थ हाउस, हम उसको क्या बोलेंगे? भैया जाके काली माता को नमस्कार करो। गुरु इन फोर्थ हाउस, तारा को नमस्कार कर ले। मंगल इन फोर्थ हाउस, बगलामुखी को नमस्कार कर ले। ऐसे ऐसे विद्याएं हैं, ऐसे ऐसे शक्तियां हैं, मां का कई रूप है। प्रश्न मार्ग से पढ़ो, कई किताबों में दिया गया है मां का अलग अलग रूप के बारे में। प्रश्न मार्ग इज अ वेरी गुड सोर्स, प्रश्न मार्ग अच्छा सोर्स है। दूसरा आप देखो, जैमिनी ने कुछ अच्छा उपदेश दिया हुआ इस मामले में। जातक तत्व इज अनदर फैंटास्टिक सोर्स। पढ़ो, ये सब सोर्सेस पढ़ो आप। ओके, फोर्थ हाउस को फिर आपने पढ़ के साफ कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एट्थ हाउस। अभी आपको गति मिल गया। एक बार एक व्यक्ति को इंटेलिजेंस को क्या चाहिए? बुद्धि। हम लगन से देख रहे हैं ना, लगन है बुद्धि। बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि को पहले अपना हृदय, हृदय मतलब अंतरिक्षा साफ कर देना है। एक बार वो साफ हो गया, फिर एट्थ हाउस ऋण। आप ऋणी हो, मुक्ति नहीं होगा। यू शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल कार्मिक डेट्स। एट्थ इज द हाउस ऑफ कार्मिक डेट, यू हैव टू बी टोटली फ्री फ्रॉम दैट, राइट? हाउ टू बिकम टोटली फ्री फ्रॉम कार्मिक डेट? एनीबडी? फॉलो दी दान इज वन ऑफ दिस। हाँ, एट्थ हाउस, नॉट नाइन्थ हाउस। सांसारिक काम आप कहां से देखोगे? सांसारिक सारे सांसारिक काम को फॉलो करते हैं तो असलियत में मानो कोई भी कार्मिक डेट हो, हम मुझे रास्ता पहले बता दो, हम क्या करेंगे? आपने अष्टाक्षरी मंत्र का नाम सुना है? अष्टाक्षरी उत्तम मंत्र माने जाते हैं। मंत्र का देखो, मंत्र जब आप मंत्र शास्त्र पढ़ते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला चीज सिखाया जाता है मंत्र चरण। मंत्र का एक चरण जो होता है,
आठ अक्षरों का होता है, अष्टाक्षरी एक चरण होता है, और तीन बार आपने कदम ले लिया, आठ आठ आठ, 24 अक्षरों का गायत्री संपूर्ण होता है। ठीक है, आठ अक्षर जो है एट हाउस के लिए होता है, इसलिए आठवां भाव जो होता है ऋण होता है, पितृ ऋण, गुरु ऋण, मातृ ऋण, हजार हजार प्रकार के ऋण, इतने ऋण हैं कि हम तो ये ऋण में बंध गए हैं, इसलिए मंत्र द्वारा आप ऋण से मुक्ति मिलता है। मंत्र के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। कितना दान कर लोगे, इतने पैसे कहाँ है आपके पास, इतने मोटे मोटे ऋण से कहाँ से बचोगे? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। यू डू नॉट हैव दैट मनी, एक्सेप्ट इट। इवन बिल गेट्स डजंट हैव द मनी, बट यू विल गेट द मनी। अभी तक हमारे तिरुपति बालाजी जो है, आप जब बालाजी को जाओगे ना, बालाजी में अभी भी मानते हैं कि स्वयं विष्णु भगवान ऋणी है। आप क्या ऋण, वो तो भगवान ऋण से मुक्ति नहीं हो पा रहे, आप थोड़ी ऋण से मुक्ति हो जाओगे। इट इज नॉट एन इजी जॉब। ओनली वे टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द डेट इज टू डू द मंत्र। 8 + 8 + 8 = 24 इज द गायत्री। डू द भूर भुव स्व, 3, लुक एट द 3, 8 + 8 + 8, 3 × 24, एंड भूर भुव स्व, ये भूलोक भुवलोक और स्वर्ग लोक में जितना ऋण है सबसे मुक्ति हो जाएगा। गायत्री मंत्र करो, मंत्र विच हैज द पावर टू मेक यू कंप्लीटली डेट फ्री इज गायत्री मंत्र, और किसी मंत्र में ये बल नहीं है, ये बल किसी में नहीं है। या कोई भी मंत्र गायत्री छंद में हो तो वो गायत्री की तरह काम करेगा, जैसे विष्णु का अष्टाक्षरी वो गायत्री छंद में है। ओके, तो हाउ डू वी बिकम डेट फ्री, कोई पूछेगा आपको तो आप क्या जवाब दोगे? आप दोगे कि सीधी बात है, कोई हिसाब नहीं है हमारा ऋण का, कोई हिसाब है क्या? कोई हिसाब नहीं है तो मुझे तो नहीं आता, आपको आता है बता दो। इफ वी डू नॉट हैव द हिसाब, हाउ शैल वी बिकम डेट फ्री? इट इज ओनली थ्रू द गायत्री मंत्र, देयर इज नो अदर वे आउट। एक ही वो मंत्र है जो हर पाप, हर शाप, हर ऋण से मुक्ति देने का बल रखता है, उससे बढ़कर के मंत्र नहीं है। इसीलिए हिंदू धर्म में उसको सर्वोत्तम मंत्र माना गया है, इसीलिए, वरना के मृत्युंजय मंत्र नहीं है हमारे पास। शिवजी का मृत्युंजय मंत्र है हमारे पास, क्या क्या मंत्र है आप देखो, ऋग्वेद पढ़ के देखो क्या क्या मंत्र है उसमें। गायत्री मंत्र जो है सवितुर को क्यों इतना ऊंचा माना गया है? द पावर टू मेक यू कंप्लीटली डेट फ्री। ओके, एम आई क्लियर ऑन दिस? इट इज द हाईएस्ट मंत्र, आस्क योरसेल्फ व्हाई। ओके, नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज एट हाउस एंड द डेट ऑफ द एट हाउस, राइट? Who is the planet, who is the karaka for the 8th house? Shani. Shani is very important, you must bear in mind. Jo grahe ashtam bhav mein rahega navamsh mein, wo aapka rin dikhata hai. Wo rin aapko pura karna padega. Wo grahe jo bhi dikhata hai, jo bhi wo grahe hai, wo rin lega aapse. Aapko rin dena padega. आपको पसंद हो नहीं हो, आपको देना पड़ेगा ऋण, और वो ग्रह अपने दशा में जरूर ऋण लेगा। अगर आपने ऋण देने से इनकार किया तो उसमें बल है कि वो आपका हर इच्छा, इच्छा क्या होता है, काम भाव, बिगाड़ देगा। Until he gets his fulfillment, he will destroy your seventh house. That is why the eighth house causes destruction of the seventh house. During the dasha or antardasha of the lord of the eighth house in the Navamsha or a planet in the eighth house of the Navamsha, marriage can break down. A person may be forced, because of the DT indicated,
to do what the deity wants, the graha wants, and cause simultaneously a breakage of the marriage. वो अपना जब तक उसका ऋण पूरा नहीं हुआ वो विवाह तोड़ देगा, हर प्रकार का काम इच्छा तोड़ देगा, जिसको आम सुख बोलते हैं वो खत्म कर देगा। बहुत पावरफुल हेड था, उसको कमजोर ना समझना। शुभ ग्रह भी हो तो भी तोड़ सकता है विवाह, अगर वो शुक्र का दोस्त नहीं है तो। देता तो है और उसको लगना लॉट अगर एस्पेक्ट करा सेवन परसेंट तो फर्क भी पड़ेगा, मतलब उसमें सफरिंग में कमी आएगी। मतलब गुरु का दृष्टि हर चीज को काम कर देता है, क्योंकि ये इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन ही आ रहा है कि ये मैं किसी का देख रहा हूँ तो मून एट हाउस में और वाइस एक्स लगा है तो मून से अगर वीनस देखो तो अलियो कुछ मानना है मून से मानना है अलियो और मर्करी उसका थर्ड हाउस में मून से एट है तो अलियो भी मानना है मार्कर योग भी मानना है और लेकिन एट हाउस का लॉर्ड है में भी तो क्या होगा वीनस समझ होगा उसमें या तो राजयोग शुक्र दशा बृहस्पति अंतर से राजयोग होगा तो बृहस्पति अंतर से होगा शुक्र शरीर चंद्र मंगल शारीरिक अष्टम देव करेगा इन वन केस ऑफ मीन लग्न विद शुक्र इन लग्न द पर्सन ऑलमोस्ट डाइड बट ही सर्वाइव्ड बिकॉज शुक्र वज वर्गोत्तम ही सर्वाइव्ड मृत्युंजय का बल है ना शुक्र में उसके लिए मृत्युंजय मंत्र जो काफी यूजफुल है दैट इज द बेस्ट दी बेस्ट मृत्युंजय मंत्र एडवाइस किया था करेक्ट शुक्र का आपने सही दिया तो आप देख रहे हो एट लॉर्ड जो है वो अपना ऋण लेगा ही लेगा चाहे कुछ भी हो जाए नवांश में एक प्लॉट होगा तो विवाह तोड़ देगा याद रखना शनि के साथ अगर इसने योग कर लिया नो एस्केप वो ऋण देना पड़ेगा नो एस्केप आप बता रहे थे शुक्र का दोस्त है तो शुक्र का दोस्त है तो विवाह इतना नहीं तोड़ेगा शुक्र का दुश्मन है तो विवाह जरूर तोड़ देगा अगर शुक्र है तो दोस्ती किस बात का यह टू डू द एट लॉर्डशिप अनफॉर्चुनेटली सप्तम भाव से कहां पर है ये जरूर देख लेना अच्छा चलो लेट्स कंटिन्यू एनीबडी अदर प्लैनेट्स इन द एट हाउस इन नवांश वीनस हैव यू हैड वीनस दशा नो इज इट कमिंग एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड विच दशा सिस्टम टू यूज विंशोत्तरी चलो ओके हाँ ये मून एंड मार्स इन द एट हाउस इन द नवांश अच्छा है बुरा है बोथ आर इक्वली बैड मून इज वेरी बैड So how do you know your Navamsh is right? Whatever came out. Achha, did you check up the what planets are entwined to Navamsh? Ye exercise bahut important hai. Blindly kisi Navamsh ko correct na le lena. Test karo. Is it right or wrong? Kaise pata karoge? Pahle to Navamsh lagan ke trikon mein dekh lena kaun kaun se grah baithe hain. Very simple sa test hai. Jo grah hai, uske gun uske buddhi mein honga. बुद्धि मीन्स व्हाट यू आर बॉर्न विथ इट आपका एबिलिटीज जो है इट्स गॉड्स गिफ्ट टू यू आपने पिछले जन्म में धर्म को फॉलो किया इसीलिए कुछ ग्रह इस जन्म में लगन के त्रिकोण में होंगे जो ग्रह लगन के त्रिकोण में है ये भगवान का आशीर्वाद है आपके लिए बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर लगन त्रिकोण इज धर्म त्रिकोण आपने धर्म फॉलो किया है इसलिए वो लगन के त्रिकोण में आ गए जो ग्रह लगन के
त्रिकोण में है उसका ज्ञान जो है आपको जरूर मिल जाएगा। लगन में है तो बचपन से पैदाइश से है आपके पास, पंचम में है अभ्यास से हो जाएगा, नवम में है गुरु के पास जाना पड़ेगा सीखने के लिए। फर्क देखो, लगन से है, जन्म से है, यू आर बॉर्न विद दैट नॉलेज। फिफ्थ हाउस अभ्यास से होगा, भविष्य में अभ्यास से आएगा वो। नाइन्थ हाउस, हाउस ऑफ गुरु, गुरु कृपा से आएगा आपके पास। फर्क देख रहे हैं आप तीनों में? क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी आपके लगन के त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह हैं। नवांश, ओनली नवांश। लगन में क्या है? हेरीज में क्या ग्रह है? शुक्र और केतु नवांश लगन में है। तो आप क्या बोलोगे शुक्र और केतु नवांश लगन में होने से? फाइन आर्ट्स। शुक्र में है, फाइन आर्ट्स होगा, पेंटिंग बहुत अच्छा होगा। पेंटिंग वेंटिंग करती है? क्यों स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन? केतु से स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन अच्छा होगा, गुड। मैथमेटिक्स भी अच्छा हो सकता है। वेरी गुड इन मैथ, वेरी गुड इन मैथ। यू नेवर हैड प्रॉब्लम्स इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग गुड इन मैथ। Are you very good with painting, chanting and these things? Music is different from painting. No. I didn't ask music. Why you answer me? ये तो देखो वो कहानियां नहीं, let's be very specific. Artistic माने चित्र, शुक्र इज दृष्टि, पेंटिंग, सौंदरता कपड़ों में, वो अलग बात है, आंखों में बल है। सूर्य अगर त्रिकोण में होगा तो नृत्य का नॉलेज देगा, नॉलेज ऑफ डांस। नटराज, ही विल गिव यू नॉलेज ऑफ अ रिदम, मतलब ड्रम्स में या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका नॉलेज देता है सूर्य। ये नॉलेज शिवजी के पास से आता है। अ पर्सन कैन नॉट हैव रिदम विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, नो रिदम एट ऑल। छंद जितने हैं वो सूर्य से आते हैं, शिव के कृपा से आते हैं, ठीक है। चांद से गाना आता है, गाना इतना अच्छा होता है जो जितना इमोशनल बना दे आदमी को, जो गाना सुन करके कोई इमोशन का महसूस ना हो वो गाना बेकार होता है, वो गायक सबसे बेकार होता है। अच्छा गायक वो होता है जो जिसका आवाज सुनते ही व्यक्ति को सुख दुख प्यार वो सारे अनुभव होने लगते हैं, ठीक है ना। तो चंद्रमा से पता चलता है गायक कितना अच्छा है। तो चांद अगर त्रिकोण में होगा तो गायक उत्तम होगा वो। सूर्य त्रिकोण में होगा तो ही विल बी वेरी गुड विद म्यूजिक, ही विल अंडरस्टैंड रिदम, उसके तरह कोई रिदम नहीं समझेगा। और शुक्र त्रिकोण में होगा तो आर्टिस्ट इन द सेंस ऑफ अ फाइन आर्टिस्ट, माने हमें जो क्या उसको बोलते हैं पेंटिंग वेटिंग वो सारी चीजों में। बुद्ध जो है फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कौन होता है? जो डांसर होता है, वेरी गुड इन डांसिंग, वेरी गुड इन प्लेइंग गेम्स। किस प्रकार का डांस होगा, किस प्रकार का बॉडी फ्लेक्सिबल रखेगा, मंगल दृष्टि करे तो स्पोर्ट्समैन होगा, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज इन्फ्लुएंसिंग बोथ द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी विल बी अकॉर्डिंग। केतु इज नॉट फ्लेक्सिबल, केतु इज शोइंग द एबिलिटी फॉर गणित मैथमेटिक्स, द हाइएस्ट ऑफ द इंट्यूशंस। जब आप इंट्यूशन की बात करते हो, द हाइएस्ट इंट्यूशन इज दैट ऑफ नंबर्स। सबसे बड़ा इंट्यूशन नंबर का होता है। हाँ बताओ, तो आप हाउ गुड आर यू, यू थिंक दिस इज रॉन्ग, यू थिंक यू आर अ गुड सिंगर? डू यू सिंग सॉन्ग्स? यू सिंग सॉन्ग्स, यू कैन सिंग सॉन्ग्स, यू शुड लर्न सिंगिंग सॉन्ग्स। अच्छा, मुझे वैसा लगा क्यों, पता नहीं। तो मूड नाइन्थ हाउस में होना चाहिए या एट हाउस में होना चाहिए? आप क्या बोल रहे हो? अगर हमारा ये सिस्टम क्लियर है जेमिनी का, तो गुरु के पास जाके सीखे। नाइन्थ हाउस में मून है ना, एट में रहे तो आप गुरु के पास जाके कैसे गाना सीखे? तो तब नाइन्थ हाउस में था, अभी एट हाउस में आ गया है। अच्छा, ये तो नया चीज सीख रहे हैं बॉस, ये तो मूविंग हॉरोस्कोप है उनका। हाँ, मेरा मून है, लग्न है, पंचम में राहु और नवम में मंगल। तो आप गाना अच्छा गा लेते हो? मोटिव कर, मतलब आवाज चाहे कैसी नहीं हो पर गाना जो गाता हूँ अच्छा है।
और सुन गा लेते हो किसी को, यू डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स। केयर भी कौन यहाँ पे बेटा, कैसे लोगों को लग रहा है, पर इट इज वेरी मोटिव, मतलब यस मून इज इन लगन। संजय की योगी कहा से मैंने दो साल पहले टाइम पूछा था, उसने टाइम बताया मेरा नवांश कुछ और था, अभी मैंने दो महीना पहले फिर उनसे बात किया तो दो मिनट टाइम बढ़ा दिया उन्होंने और नवांश फिर चेंज हो गया। व्हाट याद है हमें उसी चीज को लेकर टेंशन हो रहा था, क्या है क्या है क्या नहीं, अभी तक पूछा मैंने आप बोलो टेंशन कर दो मिनट, दो मिनट और पहले कुछ बताया दो एक डेढ़ साल पहले, अब दो मिनट चेंज करके मुझे समझ रहा है क्या। मेरा प्रश्न ऐसे भी नहीं रहता, योगी जी को प्रणाम। मुझे दो तीन बार ये काफी प्रॉब्लम आया, इस बार अभी सैन होजे में थे वो जहाँ पर रहते थे जिनके घर में, वो व्यक्ति ने मुझे बोला कार्वे जी ने दिया है टाइम, ठीक है भैया मगर मेरा बैठ नहीं रहा, मैं क्या करूं, मुझे ये चीजें चाहिए। मानता हूं आई मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर, आई मे नॉट बी पराशर रिबॉर्न, ठीक है पराशर जी ने कुछ लिख दिया, जैमिनी ने कुछ लिख दिया, आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट दैट, आई एम स्ट्रगलिंग, ठीक है किसी को इंट्यूशन आता है होगा उनके पास पावर, हमारे पास तो है नहीं, हमें आई वॉन्ट दिस टू मैच, ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूं 10 कुंडलियों में, तो मैं ये चीज सीखना चाहता हूं, इट इज बेटर फॉर मी, I have two options, या तो मैं ये शास्त्र ऐसे सीख लूँ ऐसे फ्रॉम दिस जैमिनी एंड पराशर, और आई कैन सिट एंड डू हैवी तपस्या एंड गेट द नॉलेज, आई कैन यूज पतंजलि योग सूत्र टू मेडिटेट ऑन द ग्रहस एंड गेट द फुल नॉलेज ऑफ ज्योतिष एज अ त्रिकाल ज्ञानी, बात बताया गया है कैसे करने के लिए, विभूति योग में है वेरी क्लियरली। चलो एनी वे यू कैन डू दैट, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दिस, वेरी क्लियरली इट इज मेंशन, वेरी क्लियरली इट इज मेंशन। एनी वे विभूति योगा, विभूति योगा, एनी वे तो इंटरेस्टिंग है वो, राइट, बट माई पॉइंट इज वेरी क्लियर कि भाई आपका मून एट्थ में होगा या नाइन्थ में होगा, तब नाइन्थ में था अभी एट्थ में हो गया, ये तो नहीं चलेगा। मुझे एक नवांश बोलो, ये ऐसे थोड़ी है कि हर दो दो साल आप बदलते रहोगे, एक नया नवांश लेके आ जाओगे, देखो बेचारे के साथ क्या हो रहा है। मगर ये बॉटल लाइन है, मैं एक मिनट टाइम चेंज करता हूँ नाम चेंज होता है, इनफैक्ट उसी टाइम पे जब मैं 45 सेकंड चेंज करता हूँ नाम चेंज होता है, करेक्ट, तो ये कैसे करेक्ट डिटरमिन करें नाम लगना कौन सा, ट्राइंस, वी हैव टू सी द ट्राइंस व्हाट प्लैनेट्स आर इन ट्राइंस, दैट इज द ओनली वे टू कैच इट, और क्या तरकीब क्या है हमारे पास, हमारे पास और कोई तरकीब नहीं है, ये जो रूल्स हम बता रहे हैं इसी रूल से ही आपको पकड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ट्राइन मैंने 159 में जो ग्रह है उससे व्यक्ति का जो है गुणों में पता चलता है कि क्या एबिलिटीज है उसके पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे नवांश में शुक्र और केतु है, मेरा कुंडली देखते ही जब आई वॉज बॉर्न माई ग्रैंड फादर से यही ज्योतिष जन्म लिया है, हमारे को कॉन्फिडेंट वेरी गुड इन मैथ ही विल बी, वृश्चिक नवांश में केतु बैठे आई शुड बी गुड इन मैथ, इट इज अ फैक्ट, हाफ एन आवर आई वर्क आउट ऑफ माई प्लस टू पेपर एंड आई टॉप्ड इट, हाँ है केतु बलवान, आई एम बाउंड टू बी राइट, सो इट वॉज अ नेचुरल थिंग यू बिकम अ इंजीनियर, क्योंकि उन दिनों या तो डॉक्टर बनोगे, उड़ीसा में क्या होता है डॉक्टर इंजीनियर और लोफर, चौथा तो ऑप्शन है ही नहीं हमारा। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी के भाई इफ इट इज देयर इन द वार्म शिट विल बी देयर, वाई इट विल नॉट बी देयर, आई हैव मून इन द फिफ्थ हाउस, डू यू थिंक आई कैन सिंग, अभ्यास से मैं सीख सकता हूँ, ये मैं सुनना चाहता था, मैं ये सुनना चाहता हूँ, पंचम में है तो अभ्यास से जरूर होगा, इट इज अ फैक्ट, ये सारे मंत्र जो है, ये सारा ऋग्वेद जो है, ये द्वादश अक्षरी मंत्र जो है, ये हजार हजार मंत्र मेरे वीआरए में आपने पढ़ा होगा, ये सारे देवी प्रणाम, ये प्रणाम, वो पर दुनिया भर का मैं जो कर, कैसे आया, अभ्यास से आया है। मैं सदैव आई लाइक यू नो गायत्री तुम गायंतम, मैं तो कहता हूँ यार तुम लोग गायत्री वात्री करते हो, मंत्र मंत्र करते हो, गाते नहीं हो, पता नहीं हृदय से कुछ लगता नहीं है तुम लोग को, मुझे जब तक खुश नहीं लगता मैं नहीं करता, आई मस्ट बी हैप्पी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज माई वे, इट मे बी रॉन्ग बट दैट इज माई मून, दैट इज माई फिफ्थ हाउस मून, आपका नाइन्थ हाउस मून है, मून मंगल के साथ है इसीलिए वो टूटा, बट मून होना चाहिए नाइन्थ हाउस में, वरना आपने गाना कैसे सीखा गुरु के पास, जो ग्रह नाइन्थ हाउस में है वो गुरु के पास से आप सीखोगे। लता मंगेशकर अकॉर्डिंग टू दिस थिंग हर चार्ट हैज गॉट सन, आई थिंक लग्ना लॉर्ड सन इज इन नाइन्थ हाउस, जुपिटर इन लग्ना, मून कहां पर है, फिफ्थ हाउस में है, लगन पर है,
लगन पर है. शी हैज अ नेचुरल वॉइस मून इन लग्न, लग्न लॉर्ड इन द नाइन्थ सन, ऐसा कुछ है. वो फादर से आप फादर को ही गुरु बना करके फादर से सीखी. नवांश की बात कर रहा हूँ, नवांश की बात कर रहा हूँ. नवांश आई थिंक इज सिंह लग्न विद गुरु इन लग्न. आप देखो, देखो उस औरत को, उसका नवांश लगन में गुरु बैठा है. दुनिया भर के लोग वो नवांश को देखे बोलेंगे वाह क्या ब्यूटीफुल नवांश है. सिंह नवांश में गुरु बैठ जाए अच्छा है या बुरा है? राइट, आई वॉन्टेड टू हियर दैट. वाई इज इट बैड फॉर मैरिज? एट लॉर्ड इन लग्न काम कर गया ना नवांश में. एट लॉर्ड इन द नवांश, नॉट इन द राशि चार्ट, इन द नवांश. एट लॉर्ड इन लग्न, शादी नहीं किया ना उसने. लता मंगेशकर का क्या कमी था, इशारा कर देती आदमी भाग के जाते शादी करने के लिए. तुम्हारा शुक्र वाकई कर दो. समझो आप क्यों उसने शादी नहीं किया. एट लॉर्ड लगन पे आ गया. देखो फॉर्मूला, शास्त्र कहता है नवांश का एट लॉर्ड जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा शादी के लिए. चाहे देखो गुरु ने शादी नहीं करने दिया, व्हाई इज गुरु बैड? बिकॉज दिस लगन इन द नवांश इज मारक टू सेवेंथ हाउस. इट इज नॉट सपोर्टिंग सेवेंथ हाउस, उसका मारक पे बैठा है. एम आई बीइंग अंडरस्टूड? बट शी वेंट टू सिंग फ्रॉम अ गुरु, राइट? हमने सेकंड हाउस के बारे में अभी तक बोला नहीं, बोला है ना, तो तुमने क्यों एज्यूम कर लिया गया वो गलत है? तो सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में क्यों बुरा होगा भाई? सेकंड हाउस का भी तो कुछ महत्व होता है. वेलकम टू सेकंड हाउस. नेक्स्ट क्लास में भी वी विल, अभी है टाइम, तो चार ही बजा है टाइम. ओके, अभी नवांश लगन के त्रिकोण में जो ग्रह है उसके गुण होने चाहिए. आप कृपया इनका हॉरोस्कोप ठीक करें. नवांश सारवी जी ने कर दिया, सब ने लगा, हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं. शी डजंट हैव इट इन लग्न, शी हैज इट इन सेकंड हाउस. I'm telling you, have you ever won a prize in painting? Yeah? Childhood even I have won. Good, your Shukra must be good. Second house with Mesh Meh. Good, good, good. And math also you are pretty good. Good. But moon 8th house, tough to accept. Tough to accept. नवांश में है यार, नवांश में एट हाउस तो जैमिनी अनुसार टू प्लेसेस में नहीं देता है. जैमिनी अनुसार टॉरस में और कर्क में नहीं देता है. दैट इज प्रिसाइसली, दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द जैमिनी प्रिंसिपल. जैमिनी ने क्यों बोला है कर्क में और ऋषभ में नहीं देगा? कुछ तो कारण होगा. देखो यार, बगैर कारण का थोड़ी ऋषि ऐसे बोल जाता है. क्यों बोलता है? एग्जाल्टेड है. कर्क में अपने घर में है तो बलवान हो गया ना, तो फुल मून है तो बलवान है. इट इज फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल. तो ठीक है, क्या 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 गलत बोला? देखो प्रिंसिपल तो एक ही हुआ ना. इट इज ओके, इट इज ओके विद अस. आई डू नॉट ऑब्जेक्ट टू इट सो लॉन्ग एज आई अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल. लग्न जाकर भी जैसे अगर अपने ही उसमें होता है ना, तो अष्टम में बुरा माना जाता है. लेकिन अपनी राशि में होने की वजह से उसको बचा भी वो बचाएगा. क्यों नहीं बचाएगा? सरल योग होता है मेरे. ओके, बट एक केस मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें एट हाउस में है, मून का है, कैंसर हुआ है. वेलकम टू दैट, वेलकम टू दैट. ओके, सो एनीवे द पॉइंट इज let us do his navamsha. And I will not do, you will do it. Okay. आप बताइए आपके नवांश में कौन कौन से राशि में क्या क्या ग्रह है. मेष में क्या है? इनका नवांश चेक करते हैं, देखते हैं. कार्वे जी ने दो बार बदल दिया, इनको पूरा फ्रस्ट्रेशन हो गया. होगा क्यों नहीं यार. आप लग्न क्या?
मेष हो सकता है या वृषभ हो सकता है लगन? वर्गोत्तम लगन होगा, विच आई वॉज इंसिस्टिंग ऑन. कार्वेजी डिडंट लाइक इट, आई डोंट नो. ठीक है, नहीं है तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ. केतु और सूर्य तुला में है, नवांश में. आज से बोला ऐसे गाड़ी चला दोगे तो छोड़ियो. मून सेकंड हाउस, मून जन्मी. केतु एंड सन इन लिब्रा, सैटर्न एंड मर्क्यूरी इन कैप्रिकॉर्न, एंड देन जुपिटर इन एक्वेरियस एंड वीनस एंड मार्स इन पाइसेस एंड देन राहु इन मेष. वीनस एंड मार्स आर इन मीन राशि. सो इन इन योर नाइन्थ हाउस यू हैव सैटर्न एंड मर्क्यूरी. या इफ आई टेक टॉरस, ओके, इफ वी टेक मेष लग्न, लगन के त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह आए? राहु ओनली. रिमेम्बर दिस रूल, इफ राहु और केतु इज ए नवांश लग्न, द पर्सन्स डिलीवरी विल बी वेरी डिफिकल्ट. फोर्सेप्स डिलीवरी तो मिनिमम गारंटीड है, कुछ ना कुछ बहुत डिफिकल्टी हुआ होगा राइट एट द टाइम ऑफ. ठीक है ना? ठीक है, सुनो से राइट. अगर नोट है तो वी डू नॉट नो, वी हैव टू चेक एवरीथिंग. हम शास्त्र बता सकते हैं भाई, वी डू नॉट नो विच इज राइट विच इज रॉन्ग. इफ ये तो हुआ तो फिर ठीक है ना. अगर हम इसको मेष नवांश लेते हैं, टेंथ हाउस में कौन कौन से ग्रह आ गए? तो शनि धन बर्बाद करता है और बुध धन बढ़ाता है. इनका दशा क्या चल रहा है? शनि का वर्गोत्तम, शनि वर्गोत्तम है, शनि इनका वर्गोत्तम है. नोट किया जाए, शनि वर्गोत्तम है तो क्या गुण दिखाई देगा इनमें? बहुत दुख सहन करने का बल देगा, बहुत दुख हजम करना पड़ेगा. और क्या करेक्ट बोला है? राइट, नंबर वन. बल भी देगा, ऐसा नहीं है, बलवान होगा, ये बहुत स्ट्रांग होगा. अच्छा, और सूर्य भी वर्गोत्तम है. सूर्य वर्गोत्तम है तो क्या देगा? लीडरशिप देगा. ओके, गुड. और लगन भी वर्गोत्तम हो सकता है अगर ऋषभ है अकॉर्डिंग टू मी. खाली इनका ये फोर्सेप्स डिलीवरी हुआ है, फोर्सेप्स डिलीवरी हुआ है. डिफिकल्ट में और फोर्सेप्स में फर्क है. डिफिकल्ट तो हर डिलीवरी होता है, बट क्वेश्चन इज हाउ डिफिकल्ट वॉज इट विथ फोर्सेप्स, डॉक्टर्स इंटरवेंशन, लाइक सीजेरियन विजेरियन हुआ था. सीजेरियन सर, सीजेरियन होगा तो फिर डेफिनेटली इट इज मेष, क्योंकि मंगल का घर है, मंगल में राहु है, मंगल के द्वारा ऑपरेशन हुआ है, मतलब सीजेरियन हुआ है. क्योंकि सीजेरियन के लिए खाली नोडल इन्फ्लुएंस नहीं, मंगल का भी योग चाहिए. इसीलिए लोग डिलीवरी से पहले हनुमान जी को नमस्कार करते हैं ताकि सीजेरियन से बचे. तो जरा चेक करो ये सारा. अगर ऋषभ लगन है तो भाई कुछ और माने होता है ग्रहों का, अगर मेष लगन है तो कुछ और माने होता है. मेष लगन है तो टेंथ हाउस में शनि है, ठीक है ना. एनीवे, टेक दिस एज एन एक्सरसाइज एंड प्लीज डू दिस. आप अपना डेट टाइम प्लेस, डेट टाइम प्लेस प्लीज बता दो. I'll give this to them as a homework. Let them study the chart and come for the next class. Take your time, study it and give it to me next class. So that you have enough time to study. Ye nahi bolna ke humne time nahi diya. Theek hai, date type le lena inse. Okay. Chalo, next part of Navamsh. Navamsh ka humne kaun kaun sa, ab 8th ghar mein atak jayenge ya aage niklenge? 8th ghar clear ho gaya na, Lata Mangeshkar ka case. Brihaspati bhi nahi. Brihaspati is not a friend of Shukra. डोंट गेट बायस्ड. लोग सोचते हैं गुरु है ये है, डोंट गेट बायस्ड, यू आर गेटिंग बायस्ड. शुक्र का दोस्त नहीं है वो, तो क्यों शादी देगा? बुध बोलते हैं, बुध तो शुक्र तो बुध के घर में नीचे हो जाता. असलियत में ठंडे दिमाग से सोचोगे तो चंद्र के अलावा और कोई दोस्त है नहीं.
और चंद्र भी ज्यादा मदद नहीं करता. रियली आई एम टेलिंग यू, वेरी पिकुलियर थिंग, नन ऑफ द प्लैनेट्स रियली हेल्प शुक्र, नन ऑफ देम व्हेन इट कम्स टू मैरिज. तो एट्थ लॉर्ड जो भी होगा वो शादी तोड़ने का ही काम करेगा, और अगर वो बलवान होकर केंद्र में बैठ जाता है तो मैरिज का स्टेबिलिटी इज अदर क्वेश्चन. राइट. तो हमको क्या करना चाहिए ऐसे केस में? सेवेंथ लॉर्ड को स्ट्रांग करो. सिंपल सी बात है, सेवेंथ लॉर्ड जो है उसको स्ट्रांग करो सदैव नवांश में. अब हर वर्ग में जो भाव है, जो कार्य भाव है, उसको सदैव बलवान करते रहना ताकि उस वर्ग का फल संपूर्ण तरीके से आए उसके पास. ठीक है ना? कोई व्यक्ति, अच्छा चलो हमारा कौन सा हो गया, ट्वेल्थ हाउस. ट्वेल्थ हाउस क्या है? मोक्ष. बुद्धि से मोक्ष. इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ मोक्ष. इट इज मोक्ष दैट यू थिंक इज मोक्ष. वी डू नॉट नो व्हाट इज मोक्ष. आत्मा का मुक्ति का भाव और मन ये बुद्धि का मुक्ति का भाव अलग अलग है. ट्वेल्थ हाउस फ्रॉम आत्मकारका इज द मुक्ति ऑफ द आत्मा. ट्वेल्थ हाउस फ्रॉम द लग्ना इज द मुक्ति ऑफ द लग्ना. इट इज हाउ यू लुक एट मुक्ति विच इज डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज. वॉट इट इज डिफाइंड इन चंद्रकला नाड़ी एज जीवन मुक्तांश. शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है चंद्रकला नाड़ी में, जीवन मुक्तांश इस्तेमाल किया है, जीवन से मुक्ति. ठीक है ना? दैट इज ट्वेल्थ फ्रॉम कारक अंश. आत्मा कारक से ट्वेल्थ हाउस को आप जब देखोगे तब वो आत्मा की मुक्ति की बात करोगे, और फिर भी वो इस संसार के बंधन से मुक्ति. आगे चलकर के क्या है, हु नोस, हमें तो नहीं पता. चलो चलो चलो, आई विल आंसर दैट. आई विल आंसर दैट. आई विल बोगस स्टफ. अग्रे राहु अधो केतु सर्वे मध्य ग्रह पड़ता नहीं है, इसलिए ऐसा हालत है उसका. ब्यूटिफुल आर्टिकल्स एट कम इन द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन. ब्यूटिफुल आर्टिकल्स दिव्य रमन काश होते हैं. Anyway, who cares about Kendra now? Let him do what he wants. I have learned to ignore him so that I can go ahead with my life. Varna apna class bhi atak raha na Kendra ke karan. Khatam karte hain apna class. Chalo. Ye class bahut important hai in logon ke liye. Dekho sare baithe hain na. Main khali aapke saath se baat nahi kar raha hu, baaki bhi hai. Hai na? Please. Let me continue the class. Good. So, 12th house is important. Right. So, 12th house, what do we see? मोक्ष. बुद्धि का क्या मोक्ष होता है यार? वो वक्त जब आप अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते हो. कब नहीं करते हो? जब आप सोते हो. When you are sleeping, you are not using your बुद्धि, or are you using your बुद्धि? So 12th from नवांश लग्न is to do with sleeping. Will you say that, so that is not a good house? वो भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है. जो ग्रह नवांश लगन के 12th हाउस में रह जाएंगे वे बर्बाद हो जाएंगे. खास करके अगर शुक्र वहां पर रह गया नवांश का तो वह नवांश ही बर्बाद हो जाएगा, विवाह नहीं होगा. क्लियर? Unless that Shukra is strongly supported by some Jupiter or somebody who is going to break the marriage, unlikely that the person will marry. Marry karega bhi to bahut difficulty hoga. So,
अब कितने जनों का शुक्र 12th हाउस में नवांश में? आपका हु विल टेल का क्या मतलब? मतलब टुडे और टुमारो आई विल गेट टू नो व्हेन आई सी योर चार्ट, तो माइट एज वेल टेल, ये कोई बात होती है? अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू दिस वन वर्जन, इफ यू एक्सेप्ट हिज नवांश लग्न इन मेष, योर शुक्र इज इन 12th हाउस, व्हाट शैल वी से? It is still with Mars, no? So he will not marry according to this, is it? Oh, it is 8th lord. But it's exalted. So? I don't know his Rashi. So he will not marry according to this. Right? No, I don't know his Rashi chart. Forget why you want Rashi chart. We are talking only of Navamsha. So then going by the principles of the engineers in the 8th house. Just by the Navamsha. We are not seeing Rashi. We just want to know Navamsha. Tell me about this Navamsha. If Shukra is in 12th house, is it good or bad? Bad. It is bad. And here it is afflicted by Mars. 8th lord. Which is also the 8th lord. Also, it is Lagna lord, that's a separate issue. But it is also 8th lord. Right? So is it good for marriage or bad for marriage? Bad. Bad. So according to this, he should not marry at all? Yes or no? Yes. Are you married? You are married. How you got married if this Lagna is correct? इसीलिए मैं बोल रहा था वैशव लगना होगा, सीधी सी बात है, मैं तो सिंपल चीज पकड़ता हूँ, यानी कैसे शादी हो गया इसका? अगर द्वादश में शुक्र बैठा मंगल के साथ ऐसे अफ्लिक्शन होकर के, हो ही नहीं सकता इसका, तो वृषभ होगा, उसका लग्नेश एक्साइटेड है, वो आइडियलिस्टिक होगा इस चीज में। सेवेंथ लॉर्ड हैज कंजर्न शुक्र इन ट्राइंस विच इज अ गुड थिंग, इज दैट राइट? मार्स मंगल शुक्र योग विल बी सेवेंथ लॉर्ड योग विच शुक्र, फर्क नहीं आता है? Is it not right that he should have seventh lord with Shukra? You see, that is why I was telling you it will be Vrishabh Lagna. Samajh rahe hain aap fark? Kyun main bol raha hu Vrishabh Lagna hoga? Achha, inka delivery difficult tha, forceps se tha nahi tha, inhone clarify nahi kiya. Lagne Shukra is with Mangal. And Ketu with a debilitated Surya is in the 6th house, having Rashi Drishti and Lagan, dekho aap. लगने शुक्र मंगल के साथ था, सिजेरियन डिलीवरी है, ये भी तो हो सकता है, वो क्यों नहीं दिखाई दिया आपको? मंगल लगन के साथ कोई भी योग करेगा तो नेगेटिव होगा थोड़ा, तो डेफिनेटली दे देगा, वो सिजेरियन विजेरियन दे देगा, डिफिकल्टी दे देगा, बट फिर भी वर्गोत्तम लगन है, मतलब दीर्घायु है, राइट? जमीन आसमान का फर्क करता है। हाँ जी, जुपिटर कहाँ है आपका नवांश में? जुपिटर 10th हाउस में है नवांश में। अगर मैं वृषभ लगन लेता हूं तो जुपिटर 10th हाउस को आता है, जुपिटर के दशा में उसको पैसा मिला होगा अच्छा, राइट? किस कौन सा हाउस में है वो 10th हाउस में? एक्वेरियस। एक्वेरियस के कौन कौन मालिक है? शनि भी है, राहु भी है, राइट? इन दोनों में से हम राहु को ले खराब या शनि को ले खराब? देखो अच्छी तरह देखो, वृषभ लगन लेंगे तो दोनों में से खराब कौन? दोनों में से एक खराब बनेगा। राहु 12th हाउस में बैठा है, लॉस के घर में बैठा है, सबसे घटिया निकलेगा वो, राइट? सो जुपिटर के दशा में इसने पैसा अच्छा कमाया होगा, हाँ या नहीं? अगर वृषभ लगन है तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल इन जुपिटर दशा ही मस्ट हैव अर्न्ड गुड मनी, पक्का अच्छा पैसा कमाया होगा, एक्सेप्टिंग जुपिटर दशा राहु अंतर दशा में बर्बाद हो गया होगा। और डू यू थिंक दैट दिस राहु वुड हैव ऑल्सो गिवन मनी अब्रॉड बिकॉज इट इज इन 12th हाउस? टेल मी व्हाट, इट हैज गिवन मनी और इट हैज डिस्ट्रॉयड मनी? तो डॉलर में है तो अच्छा, राहु डॉलर में इनकम दे देगा वरना रूपीज को खराब कर देगा? नहीं यार, तुम ना मुझे प्रिंसिपल बताओ, हमने क्या डिस्कस किया है अभी 10th हाउस को लेकर के? देखो, हमने डिसाइड करना है कि इसका लगन सही है या नहीं, हम कैसे करेंगे अगर हमें प्रिंसिपल क्लियर नहीं है? अगर पाप ग्रह है, दशम भाव का मालिक है या तो डाउन लाता है ना, हमने किया था हिसाब, अभी शुभ ग्रह बैठा है नेचुरल तो उठा देगा,
आपने जुपिटर के जैसे में पैसा कमाया नहीं कमाया? आप कब वापिस आए इंडिया? तो राहुल ने लॉस करवाया नहीं करवाया? करवाया ना, तो वृषभ लगन क्यों नहीं होगा? आप देखो मुझे, जुपिटर के दर्शन में बहुत मोटा पैसा कमाया है इसने, पक्का अच्छा पैसा कमाया होगा, अच्छा तनखा मिला होगा उसको, इज्जत अच्छा मिला होगा। जैसे जुपिटर में राहु आ गया, राहु क्योंकि टेंथ लॉर्ड बना, हमने अभी बोला था, देखो आपको तकलीफ क्यों हुआ, आपका प्रेडिक्शन गलत क्यों हुआ? आप रूल तोड़े, हमने एक रूल बनाया, आपने वो रूल तोड़ दिया, नहीं तोड़ा। आप जहां रूल तोड़ोगे इमोशनल होकर के, वहां आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। जहां आपने रूल तोड़ा आपका प्रेडिक्शन गलत। नेवर बिकम इमोशनल इन ज्योतिष, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं भी इमोशनल हो जाता हूं, एंड आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन बाय नेचर, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इसीलिए ध्यान ध्यान करना जरूरी है, ताकि आप अपना इमोशन थोड़ा दबा के रखो। ओके, रूल नहीं तोड़ना नेक्स्ट टाइम। रूल इज रूल, इट इज फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग विष्णु। इफ विष्णु भगवान विल कम एज अवतार, दिस रूल विल अप्लाई टू हिम। ये चीज मैं देखना चाहता हूं, ये चीज मुझे पसंद है ज्योतिष में, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यार क्या क्या, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, थोड़ी है यार ऐसे थोड़ी। आई एम इंटरेस्टेड व्हेन यू कैन गिव मी अ रूल एंड इट विल वर्क कंसिस्टेंटली, अदरवाइज ज्योतिष डजंट वर्क। हाँ, now we said that Malefic in the 10th house is not good, but what if the Saturn is in its own sign, is that a good thing or just now we found out that Rahu is the lord of the 10th house, apna ghar ka, he is the lord of the 10th house, so he destroyed wealth because he is a natural malefic, that is all. हमें इसका कोई मतलब नहीं है कि भाई he is in his own house, he is in friendly house, हमने वो सब बात किया नहीं ना। ये ambiguous rule हमने दिया नहीं दिया, आप क्यों उसमें ambiguity ला रहे हैं? Why are you bringing ambiguity in the rule? I have given very clear rules, do not make it ambiguous, do not spoil it, it works consistently so long as you don't make it ambiguous. ये प्रॉब्लम होता है, मैं एक चीज पढ़ाता हूं, सुन रहा हूं, दो साल बाद मेरा ही स्टूडेंट उसको कुछ और बना दिया, कुछ और मैं सुन रहा हूं, मैं बोला अरे ये कहां से आ गया, उसको ट्राई करो काम नहीं कर रहा, मैं अरे मैं तो उसका गलत नहीं पढ़ा हूं, आई एम हैविंग डाउट ऑन माई ओन नॉलेज, दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस टू मी। सो प्लीज टेक अ रूल ऑफ द ऋषि अप्लाइड। तो इनका लगन क्या होगा? करेक्ट नहीं है वृषभ, लगने शुक्र के साथ मंगल का योग हुआ तो सिजेरियन हुआ, डेंजर हुआ बर्थ का, जन्म में डेंजर होगा। राहु का द्वादश 12th हाउस है, राहु लगन पर दृष्टि करता नहीं करता, तो लगन पे डेंजर है ना। वो बच्चा कैसे बचा? वर्गोत्तम लगन के कारण बचा, राइट? मैरिज नहीं होगा, सेवेंथ का लॉर्ड 12th में है, 8th लॉर्ड मंगल उसके साथ बैठा, मैरिज नहीं होगा यार। क्या किस वेर इज द डिस्कशन, वेर इज इट, वाई आर वी डिबेटिंग इट? दैट वॉज माई पॉइंट, माई आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड अपॉन सर्टन प्रिंसिपल्स, नॉट बेस्ड अपॉन लगन। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई डोंट नो यू। दैट इज भंग राजयोग, that is different, we'll go into all that. Niji, who else was asking about that today? We will go into that, debilitated in Rashi, exalted in Navams. Achha, house by house, 12th house ke baare mein humne kya dekha? Ab dekho, Rahu bhi 12th house mein, inka Rahu 12th house mein hai, Navams mein nahi hai। 12th हाउस में जो ग्रह रहता है, क्योंकि नवांश भाग्य का अंश है, वो ग्रह आपको भाग्य बर्बाद करने का बल रखता है।
आपको बर्बादी का बल रखता है, वो आपको बर्बाद करने का बल रखता है। वो ग्रह कदाचित आपका दोस्त नहीं हो सकता, उससे दोस्ती नहीं करता। नवांश को यू आस्क व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नवांश, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ नवांश। शुभ ग्रह तो फिर भी शांत हो जाएंगे, पाप ग्रह शांत नहीं होते, ठीक है ना। टेंथ हाउस में जो शुभ ग्रह बैठा है उससे बढ़कर के दोस्त नहीं है तुम्हारा। मेरा कुंडली में बुध वर्गोत्तम है टेंथ हाउस में, बुध से बढ़कर के ग्रह नहीं है मेरा। एवरीबडी सेज माई जुपिटर इज माई बेस्ट, आई टेल यू नो मर्कुरी इज द बेस्ट प्लैनेट। मेरा सबसे बड़ा बल मेरा जबान है, फैक्ट है, और वो मेरे टेंथ हाउस में है। इसी कारण माई अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर, आई टेंड टू फॉलो माई लर्निंग एंड आई लाइक टू फॉलो दिस सिस्टमैटिक मर्कुरियल पाथ ऑफ लर्निंग, ठीक है, दैट इज माई वे। अब देखो, नाउ वी हैव सीन दैट द ट्वेल्थ हाउस में एनी प्लैनेट इज बैड, व्हाट हैपेंस टू ट्वेल्थ लॉर्ड? बारहवा का मालिक जो है वो क्या है? शास्त्र अनुसार ये ट्वेल्थ हाउस का जो मालिक है इज अ वेरी फनी प्लैनेट, वेरी फनी प्लैनेट। ही बिहेव्स गुड एंड ही बिहेव्स बैड, बट ही एज फार एज दिस मटीरियल वर्ल्ड इज कंसर्न्ड इज नॉट गुड। इस मटीरियल वर्ल्ड के लिए वो अच्छा नहीं है, इज वेरी बैड फॉर द मटीरियल वर्ल्ड। क्यों बताओ? सेवेंथ हाउस से सिक्स में आ गया, तुम्हारे बीवी का दुश्मन बना। भाई नवांश में सेवेंथ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस सेवेंथ हाउस है। एक व्यक्ति का क्या इच्छा है? सेवेंथ हाउस से सिक्स हाउस में रह गया वो, इट इज बिकमिंग हाईली इनिमिकल टू वाइफ्स एनिमी, हुआ नहीं हुआ, इट इज बैड। टेंथ हाउस में थर्ड हाउस आ गया, इज इट गुड और बैड? कर्म क्षेत्र में आपको युद्ध करना पड़ रहा है, अच्छा है बुरा? बुरा है। फोर्थ हाउस के लिए अच्छा है क्योंकि नाइन्थ फ्रॉम फोर्थ स्पिरिचुअलिटी के मामले में अच्छा, और कुछ नहीं है। बिकॉज द मोर यू स्लीप द लेस यू विल सिन, वो बढ़िया सा एक डायलॉग था, मोर यू स्लीप लेस यू सिन, सो फोर्थ हाउस के लिए बढ़िया है, ठीक है। व्हाट अबाउट सेकेंड हाउस? सेकेंड हाउस इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ त्रिकोण, बट सेकेंड हाउस शोज एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग। आप कुछ चीज सीख रहे हो और उसको लगा रहे हो धंधे में, अपने कर्म में लगा रहे हो। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा, वर्ड अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना वर्क में। हमने कंप्यूटर सीखा, फिर कंप्यूटर अपने कोई चीज आप सीख करके उसको काम पे लगा रहे हो, वो सेकेंड हाउस से आता है। ये सरस्वती माँ के कृपा से आता है। सेकेंड हाउस जो है, अप्लाइंग नॉलेज टू वर्क इज बिकॉज ऑफ सरस्वती, ठीक है ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। तो आपका सूर्य सेकंड है, मुझे बताओ सूर्य के बल से आपने क्या अप्लाई किया? हाउ हैज सूर्य हेल्प्ड यू इन ग्रोथ ऑफ वर्क? बिकॉज योर वर्क इज ग्रोइंग, उससे आपका कर्म क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा, आपका एबिलिटी बढ़ जाएगा। तो नहीं, लीडरशिप क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हम अभी। हम जब लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहे थे, जब वर्गोत्तम की बात कर रहे थे, हम अभी सूर्य की बात कर रहे हैं एज अ ग्रह। सूर्य एज अ ग्रह सेकंड हाउस में रह करके आपको क्या मदद कर दिया, आपको ऐसे क्या एबिलिटी दे दिया जो आप सीख करके? फोटोग्राफी सीखते हो क्या? फोटोग्राफी और कंप्यूटर नॉलेज, सेल्फ लर्निंग। कंप्यूटर का सेल्फ लर्निंग। केतु कहाँ पर है आपका? केतु 11th, तो केतु के साथ में परिवर्तन है। आई डिड नॉट नो, यू जस्ट सेड दैट यू लर्न कंप्यूटर एंड यू यूज इट अ लॉट, राइट? दिस इज सम कनेक्शन टू सेकंड हाउस, आई थॉट। And sun is also there. Photography. The natural ability for photography. Dekho, it gives you an idea of what I am talking about. Second house is like the first house and like the fifth house. Like the first house because aapko buddhi chahiye. Koi cheez ka buddhi nahi hoga to aap sikhoge kaise? Theek hai na? It is also like the fifth house.
अभ्यास भी चाहिए। ये थोड़ी है कि आप खाली किताब पढ़ लिए तो आप एक्सपर्ट बन गए उस चीज पर, थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस का बुद्धि और फिफ्थ हाउस का अभ्यास को आप जब इकट्ठे लाओगे तो वो सेकेंड हाउस बनता है नवांश में। नवांश में फिर वो अर्थ त्रिकोण में काम करता है। ये इसको सरस्वती बोलते हैं, क्यों? आप कुछ सीख करके कुछ कमा लोगे, कुछ बन जाओगे, आपका काबिलियत बढ़ जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। अच्छा देखा ना, नाउ इनका सूर्य था सेकंड में, ये फोटोग्राफी में एक्सपर्ट है, ही इज वेरी गुड इन फोटोग्राफी एंड ही गोज इनटू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन फोटोग्राफी। सूर्य का जरूर सेकंड हाउस या सिक्स्थ हाउस के साथ कोई ना कोई योग रहेगा ही रहेगा, सेकंड एंड सिक्स्थ, ये चीज याद रखना है। इन द सेकंड हाउस आपका फोटोग्राफी में कैसा है? नहीं है इंटरेस्ट, सिक्स्थ में डेब्यूटेटेड है। व्हाट अबाउट कंप्यूटर्स एंड थिंग्स लाइक दैट? राइट, सो केतु इज नॉट डेब्यूटेटेड इन सिक्स्थ। आपने देखा सिक्स्थ में है क्या केतु? His software is not related to writing software. His software is related to financial thing. It's a business. Jupiter वाला अच्छा है ना, Jupiter वाला है tenth में। समझ रहे हो ना, ये अलग है। ये थोड़ी बैठ करके सॉफ्टवेयर बनाता है कि गेम सॉफ्टवेयर और वो सॉफ्टवेयर, ये दिस इज अ SAP इज अ वेरी एडवांस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, HR एंड ऑल दैट, वेरी दिस कंपनी मैनेजमेंट। यस, जुपिटर, जुपिटर एंड केतु इन ट्राइन। चलो एनीवे, देखो कितना इंपॉर्टेंट है नवांश को स्टडी करना। टू टेन, टू एंड सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों खराब होगा मुझे बताओ, राशि में है, नवांश में कहां पर है? वेरी गुड, राशि में है ये, मारता हूं नवांश में कहां है ये। जस्ट अभी एक बात बोल रही थी, मैंने बोला ये तो बोले थे अच्छा राशि में बैठे ना, वो बोला गया है टेंथ हाउस में राहु गिव्स पिलग्रिमेज। ये थोड़ी है कि हर वर्ग में पिलग्रिमेज दे देगा, कहां पर देगा? पिलग्रिमेज की बात करते हो, नवांश की बात कर रहे हो। ओके, एम आई बीइंग अंडरस्टूड कि सेकेंड हाउस और सिक्स्थ हाउस कैसे काम कर रहा है? सो सेकेंड हाउस इज समथिंग विच यू आर लर्निंग नेचुरली थ्रू प्रैक्टिस। सिक्स्थ हाउस इज समथिंग विच यू आर लर्निंग ऑफिशियली। देखो फर्क है सेकेंड में और सिक्स्थ में। सेकेंड में आप नेचुरली सीख रहे हो, ये क्योंकि लगन के आसपास है ना, सेकेंड हाउस जो है इज क्लोज टू लगना, एंड लग्न इज द मोस्ट नेचुरल हाउस, सो यू आर लर्निंग इट नेचुरली थ्रू प्रैक्टिस। फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस यू आर लर्निंग इट फ्रॉम टीचर, नॉट थ्रू प्रैक्टिस। व्हाई? देखो क्यों, सेकेंड हाउस से आपका फिफ्थ हाउस केंद्र में पड़ता है, फोर्थ हाउस में पड़ता है, सिक्स्थ हाउस से नाइन्थ हाउस केंद्र में पड़ता है फोर्थ। फोर्थ इज द हाउस ऑफ लर्निंग ना, वी नो फोर्थ इज हाउस ऑफ लर्निंग है या नहीं? तो सेकंड से आप चार गिनो कहां पर आता है? पांचवें घर में आता है। तो कैसे सीख रहे हो? अभ्यास से सीख रहे हो। क्यों? फिफ्थ हाउस अभ्यास का हाउस है, सेकंड हाउस आप अभ्यास से सीख रहे हो, सिक्स्थ हाउस आप गुरु से सीख रहे हो। सिक्स, सेवन, एट, नाइन, फोर्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस का जो नॉलेज है बगैर गुरु का वो नहीं आएगा। यू नीड अ टीचर टू लर्न दैट। इन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि आज जो भी है, ही हैज टू हैव अ गुरु फॉर दैट, ही हैज टू गो एंड प्रोफेशनली लर्न इट, ही कैन नॉट गेट इट लाइक दैट। घर बैठे बैठे थोड़ी है हमने वर्ड खोल दिया और सीख लिया, ऐसा नहीं होगा। ये वॉट एवर इट इज, इट इज देयर, इट इज देयर इन द, इट हैज टू बी सिक्स्थ हाउस। वो सिक्स्थ हाउस में है वो ग्रह, तो उसको आपको करना पड़ेगा प्रॉपरली।
जो ग्रह छठे भाव में है नवांश में उसका ज्ञान आपको ठीक से करना पड़ेगा, ऐसे घर बैठे बैठे नहीं होगा। वो सेकंड हाउस में जो है वो आप घर में बैठे बैठे उस्ताद जी के साथ बैठे बैठे आप सीख जाओगे। सरस्वती योग है सेकंड हाउस, ठीक है, सिक्स हाउस सरस्वती योग नहीं है। क्या है? जीवंत योग बनता है। जीवंत योग क्या होता है? बुद्धि से काम करना पड़ता है गुरु के पास। यू हैव टू गो एंड प्रोफेशनली लर्न इट समवेयर इन अ श्रेणी। इस जमाने में श्रेणी हुआ करता था, आज के जमाने में दे आर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दैट, राइट? टाइम हैज चेंज्ड, दैट इज ऑल। Time has changed. There used to be shrenis. Now we are having professional institutes. You have to go there and learn it. That is sixth house. You have to work on job training. Sixth house. Karna padega aapko. Sixth from fourth. Fourth from sixth is ninth. You will have to do it. If a planet is in the sixth house, you will have to go and work and learn outside your house. If it is in second house, you have to sit at home and practice hard. जितना प्रैक्टिस करोगे, सिंगर्स, ऑल द ग्रेट सिंगर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टू सिट एट होम एंड प्रैक्टिस सेकंड हाउस। देख रहे हो, उनका रियाज जो होता है, प्रैक्टिस जो होता है, अभ्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इफ शुक्र एंड केतु इज इन सेकंड हाउस, व्हाट डज इट मीन? यू हैव टू सिट एट होम एंड प्रैक्टिस लॉट ऑफ ज्योतिष, देन ओनली यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन ज्योतिष। You have to work hard. आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट, सिंपल एज दैट। एनीबडी असेंस ऑफ केतु इन सेकंड हाउस? सर्टिफिकेट बनाए सैटर्न इन सेकंड हाउस। क्या होगा सैटर्न इन सेकंड हाउस होने से? किस चीज का अभ्यास करोगे आप? कैसा विद्या सीखने का, कौन सा विद्या पाने का? ट्रेडिशनल नॉलेज। बताओ, आपके फादर ग्रैंडफादर कुछ ऐसा चीज जो करते थे जो आप करना चाहते हो या किए हो या अभ्यास से करोगे? नथिंग। तो फिर क्या ट्रेडिशनल नॉलेज दिया? बताओ, और कोई गुरु है, कोई एल्डर है, क्या है सेकंड एंड सेकंड? कुछ नहीं दिया, राइट? बिकॉज सेकंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू सरस्वती योगा। Saturn is a servant. वो सरस्वती के साथ क्या करेगा? वो he has no business out there. In fact, he's spoiling सरस्वती होगा। Rahu in six will show that kind of something. You will have to learn something professionally related to Rahu. Just as he learned computers, आप भी कुछ ऐसे सीखोगे? Have you done some kind of special training or special kind of thing? Quite a few things. Quite a few things we have got, quite a few of these. Actually, when we discuss profession, I'm kind of confused because the multi disciplines are, you know, worked out. Okay. I find it very difficult to say what exactly I have. You have crossed many boundaries. Yeah. Yes. आप बताओ, वीनस सिक्स में मैनेजमेंट नहीं देगा? अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा देगा? मैनेजमेंट किए हो? कितना एज है? प्लान करा है? कुछ प्लान है करने का? 28। एमबीए नहीं किए हो? 28 में करोगे? 27-28 में, अगर अगर तुम्हारा नवांश ठीक है। मुझे नहीं पता, नवांश ठीक है तो करोगे, वरना नहीं करोगे। वीनस माई नॉट बी एक्टिव। वही ना, वीनस जो है खाली सेवंथ लॉर्ड एंड ट्वेल्थ नहीं होना चाहिए, या मंगल मंगल महाराज के साथ बैठा है महाराज का, चेक कर लो। वीनस इन द ट्वेल्थ, नॉट ओनली दैट सारा, बट इट इज एग्जाल्टेड वीनस, एंड सच एन एग्जाल्टेड वीनस कैन ब्रेक द रूल एंड डू इट। द क्वेश्चन इज, इट इज एफ्लिक्टेड बाई एट लॉर्ड मार्स, हाउ कैन वी इग्नोर दैट फैक्ट? हु विल बिहेव लाइक द एट लॉर्ड?
it is also 8th lord. This is Venus, yes. So Venus is the 7th lord. आप खाली वो नवाब चेक करो मंगल का पोजिशन वो कब ऐसे कुछ इट हैज टू बी इट शोज एन एफ्लिक्टेड थिंग इट इज नॉट अ नॉर्मल समझ रहे हो नॉर्मल हो ही नहीं सकता शुक्र सप्तम है शोके द्वादश में रहे एग्जाल्टेड है तो शादी हो गया एग्जाल्टेड नहीं होता तो शादी भी नहीं होता which is more right. Ketu in 7th house, you got it right. Correct. Chinese ladki se shaadi karega. Wo bhi videsh ja karke niche ka surya hai to. Alag hai, wo kahani alag hai. Wo kahani totally alag hai. Aapse kyun aap apna ko usme dal rahe ho? How it can be made? कैसे आप कैसे मैं उसी चीज को लेकर टेंशन में आ जाता हूँ चलो छोड़ो उसको अच्छा हमारा कौन कौन सा हाउस रह गया वी आर फिनिश काम त्रिकोण मुझे पसंद नहीं है यार छोड़ो तुम लोग करो आप नहीं यार 3711 का क्या करना 7th हाउस में मैरिज होता है बीवी के बारे में सब पता चलता है 3rd हाउस ससुर का भाव है 3rd हाउस ससुर ससुर जी के बारे में सब कुछ पता चलता है 3rd हाउस से प्लीज याद रखो 3rd हाउस नवांश में ससुर का लगन पकड़ जैसे आपने 7th को ले लिया वाइफ का लगन उससे 9th में आ गया ना 3rd तो फादर इन लॉ आ गया ससुर 10th हाउस हो गया मदर इन लॉ है इफ मैलिफिक्स आर इन द 10th हाउस यू आर हैव अ बैड मदर इन लॉ इफ बेनिफिक्स आर इन द 10th हाउस यू हैव अ गुड मदर इन लॉ I know a person, Vrishabh, Navamsh Lagna is Vrishabha. Jupiter is in 10th house. Navamsh Lagna, Vrishabh, Jupiter in 10th house. Itna hi hai. Blind condition humne bola tha. Your mother-in-law will respect you and like you very much. Baki duniya aapko hate kar le. Your mother-in-law will like you. She will be your first supporter. Aap dekhna, piche na chahe koi kuch bhi bole. She will end up respecting and supporting you. जुपिटर 10th पे हाँ जी बताओ आपका मदर इन लॉ के बारे में बताओ दुनिया आपको शिव सपोर्ट है मैंने बोला था उसको जरूर करेगा बाकी संसार ऐसा टाइम आएगा तुम्हारे लाइफ में कुछ और ऐसा प्लान कि दुनिया तुमको शिव नेवर लेट यू क्योंकि वो डाउट कर रहा था ऐसा तो बोले मैंने इम्पॉसिबल वो बंदा हर को डाउट करता है ऋषभ नवांश है तो बट दैट इज ऋषभ वरना वो ऋषभ नवांश है ही नहीं अगर वो डाउट नहीं करेगा चैलेंज नहीं करेगा देखो सीजेरियन राहु का दृष्टि भी तो आ रहा है ऋषभ में नहीं आ रहा है राहु का दृष्टि दोनों में एक में तो राहु बैठा है महाराज दूसरे में दृष्टि आ रहा है नॉर्मली 90% केसेस में देता है क्योंकि क्लियर डिक्टम दिया गया मैंने इसके लिए केतु इज नॉट एज डिफिकल्ट एज राहु सबसे डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि देखो बर्थ हैज टू बी डू विद चंद्र क्यों जैमिनी ने क्यों बोला ऐसी बात जैमिनी महर्षि के मजाक कर रहे थे नहीं हर एक चीज के पीछे कारण है उनका हाँ जन्म क्या है कौन सा ग्रह जन्म दिखाता है चंद्र दिखाता है जन्म चंद्र का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है राहु है सो नेचुरली राहु इज गोइंग टू शो डिफिकल्टी इन बर्थ इन द नवांश लग्न एंड सच अ पर्सन विल हैव अ वीक चंद्र आपका लग्न I don't want to hear stories. मेरे अनुसार वर्ग उत्तम है I follow this rule system. सीधी बात है चाहे जो भी हो ना नहीं नहीं वर्ग उत्तम अच्छा चलो 3rd हाउस का और क्या बोले ससुर जी है ना तो 3rd हाउस खराब हाउस नहीं है
थर्ड हाउस और एक अजीब चीज बोला, जैमिनी ने बोला है कि थर्ड हाउस में जो ग्रह होंगे वो व्यक्ति का हाथ दिखाता, वो व्यक्ति कौन सा, उसके हाथ में ऐसा क्या चीज है जो उसको भाग्य दे रहा है। अब बड़ी अजीब सा बात हुआ ये है, वेरी पिस्कुलियर हुआ। शुक्र तृतीय में है तो वो उसके हाथ में वो पेंटिंग का सामान है, पेंटिंग करेगा। बुध है तो स्कल्पटिंग होता है, स्कल्पटिंग वो स्टैच्यू बनाता है, वो सब चीजें है उसके हाथ में। मंगल है तो वो क्या स्पीयर होगा, सूरज है तो तलवार होगा, और तो छोटा तलवार होगा क्या और होगा, तलवार ही तो होगा, छोटा बड़ा होगा, तो बाकी तुम देखो मेजरमेंट करो क्या है यार। मून हो तो जल होगा, चंद्र है जल, मून थर्ड हाउस में है तो जल, जल संबंधित अस्त्र नहीं होता है, चांद के हाथ में अस्त्र कभी नहीं होता, चंद्र कभी अस्त्र व्यवहार नहीं करता। चांद एक ऐसा ग्रह है जो किसी को दुश्मन नहीं मानता है, हृदय से चांद किसी को भी दुश्मन, माँ किसी की दुश्मन नहीं होती है, शी इज द बेस्ट। बाकी सारे ग्रह में कुछ ना कुछ खोट है, माँ में कोई खोट नहीं है, चांद जो है उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि वो मातृ रूप है, वो तो उसके हाथ में अस्त्र नहीं होता। अच्छा, गुरु तृतीय में होगा तो अक्षमाला होगा, माला हाथ में रखना अच्छा होता है, ठीक है। बुद्ध तृतीय में है तो वो मैंने बोला ना, वो स्कल्पिंग का सामान या लिखने का सामान। अस्त्र है अलग अलग प्रकार के, क्लब, शनि है तो क्लब गदा, केतु है तो मंगल की तरह है, राहु शनि है, पेंटिंग का मतलब क्या है, अस्त्र है मतलब ये है कि भाई वो व्यक्ति का जीविका बन सकता है, राइट राइट। जैसे राजा जो है वो अपने हाथ में उसके बल से वो राज कर रहा है, तृतीय में सूर्य है, जैसे छत्रपति शिवाजी वो अपने तलवार के बल से राज किए हैं, तो दूसरे भी राजा है जो शराब पी पी करके गिर गिर करके चले गए, इसी में पॉइंट। लेट अस नॉट गो बाय द थिंग दैट तृतीय में सूर्य होगा तो वो राजा होगा, इट इज अ क्वेश्चन दैट वो उसका जीविका हो सकता है, ठीक है। क्यों जीविका होगा, क्योंकि थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है, वो गुरु से, दैट इज वाई थर्ड हाउस इज कॉल्ड गुरु उपदेश। थैंक यू सो मच फॉर दिस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गुरु इज सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस, गुरु उपदेश इज इन थर्ड हाउस। किसने बोला ये, हु सेड थर्ड हाउस इज गुरु उपदेश, जैमिनी और पराशरा, पराशर प्लस जातक पारिजात, द हार्ट ऑफ द गुरु। गुरु का दीक्षा जो होता है वो थर्ड हाउस से इसलिए दिया जाता है, भाई कान है ना, मंत्र कान पे बोलते हैं वो, राइट ईयर थर्ड हाउस, क्यों बोलते हैं, बिकॉज थर्ड हाउस इज गुरु उपदेश, गुरु का हृदय होता है थर्ड हाउस में। तो जो ग्रह वहां पर है थर्ड हाउस का, वो ग्रह गुरु का वाणी आप तक लाएगा, ठीक है, क्योंकि वो गुरु का वाणी ला रहा है आप तक, उसका बल आप में समा जाएगा गुरु कृपा से, और वो अस्त्र आपका काम आएगा, ठीक है, क्लियर, माने नो एम्बिग्विटी, राइट। मेरा थर्ड हाउस में सूर्य है, मुझे तलवार लेके घूमना चाहिए, बताओ, हाँ जी, आई एम आस्किंग, अभी हमने कुछ सिखाया, अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो, क्या मेरा हाथ आत्मा का ज्ञान क्यों बोल रहा, मैं हाथ की बात कर रहा हूँ,
from Mercury. No, no, hand. Tangible, yeah, tangible. Abilities to Malagan to dekha. Surya. Light. Agni, matches like a hometown. Right? You see that? Obsession. There is still a photograph of mine. There is only one childhood photograph of mine. I am about 3 months old. 3 months, right? Right, I was this small, just a baby, 3 months old. And guess what I'm holding in my hand? A matchbox. Matchbox ko Agni Peti bolte hai na? Surya. Third house sun. Please apply the knowledge. You have an obsession about lighting lamps, yes. Really, the lighting of the lamp is very important. मैं लक्ष्मी को किस रूप में पूजता हूँ बताओ वो जो लाया मूर्ति लाया क्या है दीप लक्ष्मी मैं लक्ष्मी को और दूसरे रूप में नहीं पूजता हूँ दीप लक्ष्मी लक्ष्मी अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप में मेरे लिए दिया है दीप लक्ष्मी लक्ष्मी दिया दिखाएगी तो मैं भगवान तक पहुंचूंगा वरना थोड़ी मार गया मुझे नहीं चाहिए और कुछ उनसे चलो एनीवे हाँ जी तेरा कहाँ है सूरज योर सन इज आई आस्क यू वेदर योर नवांश इज राइट सो देन यू कैरी योर नाइफ तुम कहे तुम लाया हाँ तुम्हारा योर लियो इज द लग्ना लियो इज द लग्ना Okay, where is the sun? Third house is, sun is in third house and it's one sign. What is in Lagna? Lagna, Jupiter. What else can the sun indicate? Something that you carry in your hand which is indicated by the sun. Because wo guru ka diya hua hai wo. Bata? Kya? So you have Jupiter in Navamsha Lagna? You are having Jupiter in Navamsha Lagna? Sanskrit aata hai aapko? Very good. Good, good, good. मिथुन लगन में गुरु हो तो संस्कृत जरूर आता होगा ऐसे थोड़ी है एनीवे देयर इज अ लॉट मोर टू जो नवांश एनीवे हमने बाप को बेसिक चीजें दे दिया है देखो आपके केस में एक सूर्य थर्ड हाउस में काम नहीं किया वी हैव टू फाइंड आउट व्हाई आपके 11th हाउस में कोई ग्रह है नवांश में नहीं क्यों नहीं काम किया मर्कुरी कहां पर है There is an exchange between Jupiter and Mercury in your Navamsh. And Mangal and Venus also. And Mangal and Venus also another exchange. Mangal is in the 18th. So the Sun is in the 6th house from Mercury. Hmm? Right. So, it is weak you think? Or you think it is strong? Because you are strong or weak ki baat kar rahe the na? Aapne to start kiya. Aaj ka topic Navamsh higher kaise? आपने बोला इट इज स्ट्रांग इन नवांश तो मैं घबरा गया यार ये स्ट्रांग वीक कैसे बोल देता है मुझे बताओ आई नीड टू नो आई डोंट नो हाउ दिस पीपल से यार ये नवांश में ये स्ट्रांग है ये वीक है मुझे बता तो कैसे करते हो रे मर आई आस्क यू एंड देन यू सेड यू डोंट नो लेट मी शुड नॉट लर्न बिकॉज इवन आई डोंट नो मैं तो स्ट्रांग या वीक नवांश लग्न लॉर्ड से लेता हूं आपका कोई और तरकीब है तो मुझे बता दो ना आई वुड लाइक टू लर्न बात समझ में आई हमने ये सारे ग्रह के पोजीशन अभी तय कर लिए कि कौन कौन से घर में कौन कौन सा ग्रह होगा तो वो कैसा कैसा फल देगा अब इनमें से कौन सा जोर से फल देगा और कौन सा कमजोर से फल देगा कैसे निर्णय करेंगे लगन से तो हो गया पोजीशन लग्न लॉर्ड से निर्णय करेंगे लगन से तो हमने
क्या क्या देगा ये तय कर लिया। अब ये कितने जोर से देगा और कितने कमजोर से देगा ये कहां से निर्णय करेंगे? एम आई गोइंग लॉजिकली और एम आई गोइंग रॉन्ग? इज देयर समथिंग रॉन्ग इन माई थिंकिंग? टेल मी। वी हैव फाउंड आउट व्हाट दिस प्लैनेट्स विल डू। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट विच इज स्ट्रांग एंड विच इज वीक। व्हाट इज स्ट्रांग एंड वीक? दैट मीन्स ये जो रिजल्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं कि सूर्य थर्ड में अस्त्र देता है, मतलब तलवार देता है किसी को, तो किसी को देता है दिया अपने हाथ में, किसी को कुछ भी नहीं दिया, तो कैसे पता करेंगे? वी हैव टू सी फ्रॉम द लग्न लॉर्ड। दोज प्लैनेट्स विच आर इन केंद्र और त्रिकोण फ्रॉम द नवांश लग्न लॉर्ड दे विल फ्लरिश। दोज हु आर नॉट विल नॉट फ्लरिश। अल्टीमेटली नवांश का लगन का लॉर्ड जो होगा वो निर्णय करेगा कि वो नवांश के लिए अच्छा है या बुरा है, राइट? इनको ले लो, इनका नवांश का लगन का लॉर्ड है मरकुरी। मरकुरी तो पहले नीच का हो गया मीन में, नीच भंग आया सॉर्ट ऑफ, राशि पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो नीच भंग, राइट? सो बट फ्रॉम द नवांश देयर इज नीच भंग। आई विल कम इन टू दैट पार्ट, क्योंकि नीच भंग नहीं होता तो आप सॉफ्टवेयर में कैसे काम कर रहे हो? एनीवे आई विल कम टू दैट। फ्रॉम मीन राशि सूरज बैठा छठे में, देख रहे हो? सूरज इनका सिंह लियो में बैठा है, सिक्स्थ हाउस में बैठा है फ्रॉम मीना। तो सूरज विच वॉज सपोज टू गिव हिम दैट एबिलिटी फॉर तलवार और एबिलिटी फॉर दिस लैम्प और वॉट एवर दैट इज, दैट थिंग इज वेरी वीक इन इज चार्ट। इट इज सिक्स फ्रॉम द नवांश लग्न लॉर्ड। यू सी द पॉइंट? तो एक चीज है मगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब इनका ले लो, इनका तो बड़ी सिंपल सा, चाहे हम मेष नवांश लें या मीन नवांश, वृषभ नवांश लें, इनका नवांश का लगन का लॉर्ड कहां पर है? मीन राशि में है, चाहे आप कोई भी नवांश ले लो। अब यहां से देख लो कौन से ग्रह कहां पर है। इफ वी टेक मेष नवांश लगन, राहु इज इन लगन, राइट? राहु इज इन लगन एंड मंगल इज द डिस्पोजिटर ऑफ द राहु, इट इज द लॉर्ड ऑफ द नवांश लगन। इफ वी टेक वृषभ एज द नवांश लगन, शुक्र इज द लगन लॉर्ड विच इज एफ्लिक्टेड बाय मंगल एंड राहु इज सिटिंग इन द सेकेंड फ्रॉम इट। मतलब फ्रॉम शुक्र'स पॉइंट ऑफ व्यू राहु इज वेरी बैड, फ्रॉम मंगल्स पॉइंट ऑफ व्यू राहु इज स्लाइटली बैड, क्योंकि राहु मंगल के घर में है। आप देख रहे हैं फर्क, नहीं देख रहे हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? का स्टोर मुझे बता दो, आई विल अगेन डू इट। राहु इज सिटिंग इन द हाउस ऑफ मंगल, ठीक है? राहु अगर मंगल के घर में है तो मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु खराब नहीं है। जानते हो क्यों? जब कोई व्यक्ति आपके घर आता है ना, आप उसको दोस्त समझते हो, है नहीं? है ना? उसी तरह राहु अगर मंगल के घर गया है तो मंगल तो राहु को दोस्त समझ रहा है। वरे शुक्र राहु का दोस्त नहीं मान रहा है। शुक्र के लिए तो मंगल, फ्रॉम शुक्र, शुक्र मीन में है, राहु ट्वेल्थ लॉर्ड बना, सेकंड में है, मारक में है, और लगन से ट्वेल्थ हाउस में है, चारों तरफ से राहु खराब। तो जुपिटर दशा राहु अंतर दशा में अगर वृषभ लगन है तो फाइनेंशियली बहुत बुरा हुआ होगा, चारों तरफ से बुरा हुआ होगा। मेष लगन है तो उतना बुरा नहीं होगा। You are able to see the difference? It's a very subtle difference. Okay? Rahu Mars में आपका लेग का हुआ था? चलो तब तो और भी कंफर्म करता है। 12th हाउस में आया ना आपका? ट्वेल्थ हाउस में आ गया ना राहु।
तब सही है, तो खराब कर रहे हो, बहुत खराब कर रहे हो। वर्गो तो लगाना है यार, इसकी कितनी बार तंग आ गया हूँ। अच्छा चलो, अभी क्लियर हो गया सारे हाउसेस। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अब हमने तो नवाम्स पूरा ये एक बार तो घेर लगा लिया, वर्गोत्तम नवाम्स के बारे में थोड़ा सा समझा। नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज कम प्रिपेयर्ड। पुष्कर नवाम्स, ठीक है, पुष्कर नवाम्स, उच्च नवाम्स, उच्च नवाम्स, नीचे नवाम्स, ठीक है। क्वेश्चन इज, कैन देयर बी नीच भंग राजयोग इन नवाम्स ऑल्सो? कैन देयर बी? नवाम्स में अगर कोई ग्रह नीच है तो उसका नीच भंग हो सकता है क्या? ये प्रश्न है मेरा, स्टडी करो इनका कुंडली। आप अपना कुंडली का डेटा दो इनको, ठीक है ना, आप कुंडली का, इनका कुंडली का डेटा ले लो, ये सॉफ्टवेयर में है, सॉफ्टवेयर में हो ना, एंड ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ सॉफ्टवेयर। ही इज मर्कुरी इज डेबिलिटेटेड इन नवाम्स, इज अ ब्यूटिफुल केस। मुझे जवाब दे दो इसका। ट्वेल्थ हाउस में स्पेसिफिकली प्रायोरिटी के फिट, स्पेसिफिकली फिट। तो दैट इज द आंसर वी वॉन्ट ना। इफ अ प्लैनेट इज एग्जाल्टेड और स्ट्रॉन्ग इन राशि एंड डेबिलिटेड इन नवाम्स, इट गिव्स राजभंग नीच योग। तुम्हारा राजयोग सारे टूट जाते हैं और वो बर्बाद कर देता है, बट वो नहीं हुआ, उल्टा तुम उसी के ही लाइन पे लगे हो। क्यों ऐसे हो रहा है, किस केसेस में होता है, वी नीड टू नो दैट। ये थोड़ी वरना वरना कैसे समझोगे? तो नीच भंग राजयोग, राजभंग नीच योग, ये सारे वी हैव टू स्टडी इन नवाम्स नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास नॉट ओनली दैट, वी विल ऑल्सो स्टडी मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज, वेन मैरिज विल हैपन, वेन मैरिज विल ब्रेक, वेन सेकेंड मैरिज विल हैपन। मैं आपको अमेरिका के कुछ केसेस दिखाऊंगा, ठीक है ना, इट बी वेरी इंटरेस्टिंग केसेस, हाउ वेन वॉट इज हैपनिंग इन मैरिजेस एंड रिलेशनशिप, वेरी इंटरेस्टिंग केसेस। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम जब ये स्टडी करेंगे कि एक सोसाइटी का कितना प्रभाव होता है व्यक्ति पर, आप देखोगे। वेरी सिमिलर हॉरोस्कोप्स इंडिया में और अमेरिका में कैसे फर्क पड़ता है, क्यों, गुण का क्या फर्क होता है। ओके, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, द सोसाइटीज हैज अ सर्टन कार्यक्रम्स भी थोड़ा सा करेंगे, कार्यक्रम्स एक्चुअली राइट नाउ वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग कार्यक्रम्स, वी डू नवाम्स। ओके, आई वॉन्ट टू थॉरली स्टडी नवाम्स सो दैट यू कैन टेल मी।